सर एक बार पानी मंगवा दीजिए, पानी मंगवा दीजिए, क्लास शुरू करते हैं। बच्चों बस 5 मिनट में शुरू कर रहे हैं, 5 मिनट में शुरू कर रहे हैं, बस ठीक 5 मिनट में, ठीक है।
शुरू करा दीजिए। हाँ जी बच्चों, आ गए सारे बच्चे वापस? बेटे प्लीज जल्दी से बताएं एक बार सेस पे लिख के कि आप सब लोग आ गए वहां पर। बेटे आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। वाराणसी आ गए हैं, ओके। बाकी सब सेंटर पे बेटे सेस पे लिख के बताएं। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना। अच्छा एक आंसर में अपडेट है जो मुझे डालना है। वो अच्छा हुआ वो बच्चा बता रहा था, ये श्रीगंगानगर वाला। तो एक बार व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट करोगे तो बेटे मैं आपको वाला सॉल्यूशन दे दूंगा अपडेट करके। छोटी सी एक क्लैरिकल मिस्टेक हो गई थी, जहां पर 1600 वाला था ना प्रॉफिट का, वो गलती से प्रॉफिट क्रेडिटेड के बजाय प्रॉफिट अर्न लिखा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए बेटे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ जी। द फॉलोइंग इज बैलेंस शीट, तो मैं लिख देता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। गुड आफ्टरनून लक्ष्मी नगर, गुड आफ्टरनून तो बहुत देर पहले की हो चुकी दोस्त। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ संजय ए स्मॉल ट्रेडर, संजय ए स्मॉल ट्रेडर ऑन 31 मार्च 1996, 31 मार्च 1996 का, 31 मार्च 1996 का बेटे उसका कुछ डाटा दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है। ए फायर डिस्ट्रॉयड द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, आग लग गई और आग लगने के बाद क्या हुआ है, ये जो रिकॉर्ड है अकाउंटिंग वाले रिकॉर्ड वो जल गए। एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 7 करवाना था, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं गंगानगर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो गंगानगर, क्वेश्चन नंबर 7 करवाना था, वो एलएमएस पे आ जाएगा। ठीक है, जो एलएमएस के लिए रिकॉर्डेड नहीं है मेरे पास, मैं पहले उनको करा देता हूं। ठीक है श्री गंगानगर, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, मैंने दे दिया है और बेटे वो आपके पास होमवर्क में आ जाएगा घर में, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास घर पे पहुंच जाएगी। मैं बोलूंगा इनसे कि वो आपको डाउनलोड कर लेने दे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्या कह रहा है बेटे, आग लग गई सारे रिकॉर्ड में, एज वेल एज क्लोजिंग में जो कैश था उसमें भी आग लग गई। हाउएवर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल, बेटे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या कहते हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स जो है 31 मार्च 1997 को बताते हैं कि वो 20% ज्यादा थे एज कंपेयर टू ओपनिंग, ओपनिंग की अपेक्षा वो 20% ज्यादा थे क्लोजिंग में। एंड नेक्स्ट ऐसे बेटे क्रेडिटर के बारे में कुछ बता रखा है, कुछ और डाटा दे रखा है, और लास्ट में देखो सबसे लास्ट में हमारे से क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर संजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1997, और उसके साथ साथ में बैलेंस शीट भी पूछी है, बैलेंस शीट भी बनानी है। देखो अगर मैंने कोई सॉल्यूशन दे रखा है तो हो सकता है उस सॉल्यूशन में कुछ मिस्टेक रही हो, तो सॉल्यूशन देने का मतलब पहली बात ये नहीं है कि आप क्लास में लिखोगे नहीं, दूसरी बात सॉल्यूशन देने का मतलब ये नहीं है कि आप सॉल्यूशन में से देख देख के लिखोगे, वो बेटे बड़ा हैंडीकैप हो जाएंगे, उस चीज में ध्यान रखना। ठीक है, तो आइए जरा फटाफट से क्या करना है, हमें एक तो बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। लो भाई ये है जी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये रेड से लिखो। ये रहा जी अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये मार्कर ये सही है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 1997।
और नाम क्या है जी इसका, जिसका ये रिकॉर्ड है? संजय, मिस्टर संजय। ये बेटे अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और साथ में क्या बनाना है बताओ? साथ में बनाना है जी बैलेंसेस की शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 1997। चलो जी, ये दो चीज बनानी है। और क्योंकि आग लग गई है, वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है हमारे पास कितना कैश था उस दिन जब आग लगी, तो वो बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकालना है। कुछ वर्किंग नोट्स हैं जो हमें बनाने हैं। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स, सब मार्कर ऐसे होते हैं। वर्किंग नोट में हमें क्या करना है? सबसे पहली बात बेटे, सारे के सारे लेजर्स के फॉर्मेट खींच देने हैं। फिक्स्ड असेट्स, पहला लेजर है बच्चों आपका फिक्स्ड असेट्स, पहला लेजर है फिक्स्ड असेट्स। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है जी? भाई इसका ओपनिंग बैलेंस है 1,45,000। फिगर्स इन थाउजेंड, तो मैंने लिखा जी 145। फिगर्स इन थाउजेंड। अगला लेजर है कल का सम, ठीक है ठीक है, धन्यवाद। आइए फिक्स असेट्स, दूसरा लेजर बोलो कौन से वाला है बैलेंस शीट में, दूसरा लेजर कौन सा है? स्टॉक, स्टॉक का लेजर मत बनाना, स्टॉक तो ऐसे ही फाइंड आउट किया जाएगा कैलकुलेशन से। अगला नंबर कौन सा है बताओ? डेटर्स, डेटर्स, डेटर्स। और इसके बाद में अगला नंबर कौन सा है जी? अगला नंबर है कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का भाई ओपनिंग बैलेंस कितने का है जी? भाई कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 5,000। और भाई बैंक अकाउंट, बेटे बैंक अकाउंट बताओ बच्चों बताओ, क्या इन्हें हम एक साथ बना सकते हैं इस क्वेश्चन में, कैश और बैंक में? अगर नहीं बना सकते हैं तो क्यों नहीं बना सकते हैं? देखे कौन सा बच्चा सेस पे लिख के बताएगा। फिर अगला अकाउंट है ई, ई नंबर है किसका? कैपिटल अकाउंट का। बेटे बताओ हम कैश और बैंक इस वाले क्वेश्चन में इकट्ठा क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं बना सकते? बाकी वाले क्वेश्चन में चाहे तो हम बना सकते थे। कैश डिस्ट्रॉय हो गई थी फायर में, वेरी गुड श्री गंगानगर, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे ही बच्चे फिर से मिल गए मेरे को, वरना जैसे, क्योंकि आग लगेगी तो कैश में लग सकती है ना, बैंक में थोड़ा लग जाएगी। अब आग लग रही है हमारे यहाँ पर प्रीमिसेस में, तो बैंक थोड़ा ना जला, कैश में जो बैलेंसिंग फिगर आ गई वो जल जाएगी। ओके, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 2,00,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, बेटे क्रेडिटर्स में कितना है जी? क्रेडिटर्स में कितना है जी? 50,000। 50,000। अब इसके बाद ए फायर डिस्ट्रॉयड द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एज वेल एज क्लोजिंग कैश ऑफ ट्रेडर्स। आग लग गई जी, ये बात हो गई, ठीक है। हाउएवर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल, लेकिन बेटे क्या हुआ, कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो गई, मैं रुक गया ये मानते हुए, हो सकता है कोई बच्चा अभी तक फॉर्मेट खींच रहा हो और मैं रुक रहा हूं, मैं 10 सेकंड का टाइम ले रहा हूं, हो सकता है कोई बच्चा भी फॉर्मेट खींच रहा हो ताकि वो बच्चा भी अपने साथ में आ जाए। हाँ ये सब बेकार हो रहे हैं, कोई नया वाला ला दो ना, लाल रंग का, ब्लैक भी ला देना नया।
ठीक है जी, लेजर अब तो खींच ही लिए होंगे बच्चों ने, पता नहीं अभी। चलिए जी, अब बेटे एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ते जाते हैं। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स जो क्लोजिंग में थे, क्या कहा बेटे कि डेटर्स और क्रेडिटर्स जो क्लोजिंग में थे, रुको तो सही लेकिन मैंने तो ओपनिंग बैलेंस यहां पे नोट ही नहीं किया। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, डेटर्स कितने के थे, 50,000 के ओपनिंग में। और कोई रह तो नहीं गया, हाँ बैंक रह गया भाई, बेटे बैलेंस लिखना रह गया बैंक का, बैंक का भी लिख लिया मैंने 10,000। चलो अब बात करते हैं, तो सारे बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, क्वेश्चन को धीरे करो और स्पीड से लिखो, बाद में ये क्वेश्चन तुम खुद पढ़ रहे होंगे तो स्पीड से पढ़ रहे होंगे और स्पीड से लिखोगे। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 31 मार्च को जो थे क्लोजिंग वाले, शोड एन इंक्रीज ऑफ 20%, कहते 20% ज्यादा थे एज कंपेयर टू 31 मार्च 1996, यानी ये 1 अप्रैल 1996। और बेटे क्लोजिंग वाले कितने होंगे बाई बैलेंस सी सीडी, इसके अपेक्षा 20% ज्यादा होंगे, यानी ये कितने होंगे 60,000 के रहे होंगे, ये वाले डेटर बेटे 60,000 के रहे होंगे। आगे चलो क्रेडिटर्स की बात भी निपटा लो साथ के साथ, क्या बेटे क्रेडिटर की बात भी निपटा लो साथ के साथ। क्रेडिटर्स कितने थे ओपनिंग में, ये थे क्रेडिटर्स थे 50,000, और ये भी क्या हुआ 20% बढ़ गए पहले की अपेक्षा, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन 60,000, तो ये भी कितने हो गए बेटे पहले की अपेक्षा 20% बढ़ गए, ये भी हो गए बच्चों 60,000। मैं आगे बढ़ा, अगला नंबर क्रेडिट पीरियड, डेटर्स का क्रेडिट पीरियड है 1 महीने का। मैं रुक गया, बच्चे बताएंगे क्रेडिट पीरियड अगर 1 महीने का है तो इसका मतलब क्या होता है। पटना कह रहे रिपीट करो, बेटे क्या चीज रिपीट करूं ये भी लिखा करो साथ साथ, अब रिपीट में तो मैं पूरी क्लास में शुरू हो जाऊंगा, कहीं बच्चे नींद निकालना शुरू कर देंगे, वो पहले सोते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चन में क्या लिखा है, डेटर्स और क्रेडिटर्स ओपनिंग की अपेक्षा क्लोजिंग में थे 20% बढ़ चुके थे, यानी ये हो गए थे 60,000। ऐसे ही क्रेडिटर्स की मैं बात करूं, क्रेडिटर्स भी ओपनिंग की अपेक्षा बेटे क्लोजिंग में हो गए थे 20% बढ़ गए 60,000। फिर देखो तो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे कुछ और कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रेडिट पीरियड डेटर्स का था 1 महीना, इसका मतलब है कि डेटर को 1 महीने का उधार दिया जाता है। क्या कहा बेटे, डेटर्स को 1 महीने का उधार दिया जाता है, और अगर डेटर्स को 1 महीने का उधार दिया गया तो इसका मतलब समझते हो, ये जो 60,000 है, ध्यान से बेटे कि ये जो 60,000 है ना, ये 1 महीने की सेल के बराबर है, 1 महीने की उधार सेल के बराबर है, सेल के बाद 1 महीने में पेमेंट आ जाती है डेटर से। बिल्कुल सही श्रीगंगानगर, यही तो कह रहे कि सेल के बाद में 1 महीने में पेमेंट आ जाती है डेटर से, और क्लोजिंग में अगर ये पेमेंट नहीं आई है तो ये कितने महीने के डेटर हैं, 1 के कि 2 के, आंसर इज 1 के। अगर ये 1 महीने के डेटर हैं तो बेटे 12 महीने के डेटर कितने हो गए, 60 × 12 यानी 720,000, 720,000। जल्दी से बताओ बेटे ये क्या है, ये क्या निकल आया, देखे कौन सा बच्चा सबसे पहले सेस पे लिख के बताएगा, बताओ बेटे क्या निकल आया, जल्दी बोलो क्या निकल आया जी, ये क्या निकल आया जी क्रेडिट सेल, एकदम सही वर्ड, सेल नहीं क्रेडिट सेल, बिल्कुल सही लिखा श्रीगंगानगर, क्रेडिट सेल है 720,000 वाराणसी बेटे, सेल नहीं क्रेडिट सेल, क्योंकि डेटर वाले घर में कौन रहता है, डेटर वाली सेल, डेटर वाली सेल कौन सी है, कैश वाली नहीं,
क्रेडिट वाली सेल, तो ये हो गया जी ये वाला काम। तो इस सेल की एंट्री कर दूं पहले मैं? हाँ कर देते हैं। डेटर डेबिट टू सेल्स 7,20,000। यहीं पे मैं फिर एक काम और कर देता हूं, अब मैं सेल का लेजर भी बना देता हूं बेटे, सेल का लेजर बना देता हूं, ई एफ जी। लो भाई लो, लो भाई लो, सेल का लेजर लो भाई लो। बाई डेटर कितना? 7,20,000। डेटर डेबिट टू सेल, डेटर डेबिट टू सेल। तो मैंने पोस्टिंग कर दी जी, हर चीज को बस कन्वर्ट करते जाना है डबल में। आगे देखो जी, आगे देखो, क्रेडिटर की बात भी खत्म कर देते हैं जी, क्रेडिटर की बात भी खत्म कर देते हैं। क्रेडिटर का क्रेडिट पीरियड है 2 महीने का। इसका मतलब है कि ये जो क्रेडिटर है ये 2 महीने के क्रेडिटर पेंडिंग में है। धनबाद कह रहे हैं कि सर हम ये कैसे माने कि जो सेल है वो सेल जो है ये वाली सेल मंथ की सेल है 60,000 है, हम ये कैसे माने? धनबाद फिर मैं ये कहूंगा कि आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा और ना मेरे साथ में मेरी बात को सुना। जरा दोबारा देखो धनबाद सर, एक बार जूम कराना, स्टील मत लगाना। धनबाद ये देखो बेटे, देखो धनबाद क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो डेटर्स है ना, डेटर्स का 1 महीने का कलेक्शन पीरियड होता है बेटे। अब डेटर्स को उधार दिया जाता है कितने समय के लिए, कितने पीरियड के लिए? 1 महीने के लिए। इसका मतलब समझते हो बेटे? यानी कि डेटर जो है, एक बहुत अच्छी बात लिखी थी श्रीगंगानगर ने कि डेटर जो है ना सेल के बाद 1 महीने में पेमेंट दे देते हैं, हमारे पास कलेक्शन आ जाती है 1 महीने में। तो ये बताओ जल्दी से कि जो डेटर ईयर एंड पे होंगे वो कितने महीने के होंगे जिनसे पैसा लेना रह रहा होगा, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस का क्या मतलब होता है कि उनसे पैसा लेना रह रहा है। थोड़ा सा जूम आउट, इधर आना, जूम आउट थोड़ा सा, जूम आउट ये इतना दिखे बस। बस थोड़ा सा और जूम आउट। ये जो बेटे 60,000 है, ये 60,000 ये कितने महीने की सेल है बताओ? बोलो बेटे धनबाद, ये 60,000 का क्या मतलब है? क्लोजिंग में 60,000 का रहने का मतलब है कि इनसे पैसे नहीं आए, इनसे पैसे नहीं आए। और ये कितने लोग, कितने महीने की सेल के बराबर है? 1 महीने की सेल के बराबर। अभी तो पढ़ा था कि 1 महीने की उधारी चलती है, अगर ऐसा है कि एक एक महीने की उधारी चलती है तो ये डेटर भी 1 महीने के हैं, यानी साल भर में हमने कितनी सेल कर दी होगी? 60 × 12, 1 महीने के डेटर हैं 60,000। तो बेटे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 महीने से, तो 12 महीने की सेल आ जाएगी ना बेटे। धनबाद पहले ये बताओ ये डाउट ओके है कि नहीं? मुझे पता है कि लंबे लंबे क्वेश्चन में क्लास पूरी निकल जाती है, इसीलिए मैं आपको होमवर्क को LMS पे डाल रहा हूं ताकि आप शॉर्टकट में नहीं करें पूरा काम। बस यह है कि क्लास का एक रेगुलर टाइम से हटके होमवर्क हो जाएगा बस। 60 × 12 7,20,000, मुझे जल्दी से बताओ। ओके सर क्लियर, आ गई जी हरी झंडी आ गई। अब धनबाद से पूछेंगे, धनबाद बेटे अगर ये बात समझ में आ गई है वाकई में तो अब धनबाद तुम ही बताओगे। जरा पढ़ो, क्रेडिटर का क्रेडिट पीरियड है 2 महीने, तो मुझे बताओ धनबाद यहां पे क्या चीज निकल के आने वाली है? जल्दी बताओ बेटे यहां पर क्या चीज निकल के आने वाली है धनबाद? बोलो बेटे बोलो। क्रेडिट परचेज लक्ष्मीनगर, तुमने क्यों बता दिया बीच में लक्ष्मीनगर? धनबाद को वो अटक रहा था ना बार बार, इसलिए। वैसे सही जवाब है आपका धनबाद बेटे, इससे क्रेडिट परचेज आएगी। अब सारे सेंटर बताओ बेटे, ये 2 महीने की परचेज ये है, तो पता है 12 महीने की परचेज कितनी हो जाएगी? 60 × 12, क्या मैंने सही किया? बोलो क्या मैंने सही कर दिया, कुछ गलत कर दिया मैंने? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या गलती कर दी मैंने, बोलो बेटे।
कुछ गलती कर दी, बोलो बेटे क्या ये आ जाएगा धनबाद? गलत है लक्ष्मीनगर, ये 60 दो महीने के बराबर है, तो दो महीने के बराबर 60 है तो एक महीने का 30 है, वेरी गुड धनबाद। तो ये दो महीने के बराबर है 60,000, तो फिर 12 महीने में कितनी सेल हुई? एक महीने की सेल निकाल लो पहले, फिर 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3,60,000। श्री गंगानगर का बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड बेटे। लगता है कई सारे वंदना वाले बच्चे मिल गए एक साथ। आओ जी बढ़े आगे। तो दो महीने का क्रेडिट पीरियड है, इसका मतलब ये साल भर की परचेज है बेटे, और परचेज भी कौन से वाली, ये है आपकी क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज। एंट्री क्या होगी? बाई परचेज, बाई परचेज 3,60,000, 3,60,000। और इससे एक लेजर और खुल गया हमारा, सेल की तरह बेटे एक और लेजर खुल गया, परचेज अकाउंट। बेटे पूरे नंबर चाहिए तो शॉर्टकट मत मारना कभी भी, क्रेडिटर्स। तीन लाख साठ हजार समझ में नहीं आई ये कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन समझ में नहीं आई? 60 × 6, देखो जी दोबारा देखो, अगर ऐसी बातें नहीं समझ में आ रही तो ऐसे देख लो। ये जो है ये कितने महीने के हैं क्रेडिटर, ये बताओ, दो महीने की बराबर है ना, ये 2 मंथ की परचेज के बराबर है 60,000, दो महीने की परचेज के बराबर है बेटे 60,000 श्री गंगानगर। अच्छा आ गया समझ में, गंगानगर नहीं धनबाद, आ गई कैलकुलेशन उसको समझ में। तो भाई 12 महीने की परचेज के बराबर कितनी होगी? फिर भी अब तुमने पूछ लिया तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा, 60 × 12/2, तो भाई 3,60,000। तो इसी की बेटे हमने यहां पर एंट्री कर दी बच्चों, एंड आई होप कि ये बात ओके है। चलिए जी मैं आगे चल रहा हूं बेटे। तो अगली पोस्ट आगे देखो, स्टॉक वाज मेंटेन एट द सेम लेवल थ्रू आउट द ईयर। क्या कहते हैं बेटे? स्टॉक को सेम लेवल पर मेंटेन किया जी थ्रू आउट द ईयर, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा बिल्कुल सेम है। और क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आएगा जी, कहां पर आएगा जी? एक तो आएगा बैलेंस शीट में। अच्छा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो लक्ष्मीनगर, एक तो बेटे बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक जितना था ओपनिंग उतना ही है क्लोजिंग, 40,000। और यहां पे आ गया बाई क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ओपनिंग स्टॉक की बात करो बेटे, ओपनिंग भी तो था 40,000, जितना करेंगे ठोस करेंगे। आगे देखो बेटे क्या कहता है, स्टॉक वाज मेंटेन एट द सेम लेवल थ्रू आउट द ईयर। लास्ट में फिर क्या कहता है, कैश सेल्स जो है ना, कैश सेल्स कंस्टिट्यूटेड 20% ऑफ टोटल सेल्स एंड ऑल परचेज वर फॉर क्रेडिट ओनली। बच्चों जरा ध्यान से, दो चीजें हैं यहां पर, एक तो बात है परचेज की, क्वेश्चन ने बोली हमें कि एक तो बात है बेटे परचेज की, क्या कहते हैं कि परचेज सिर्फ क्रेडिट है, यानी परचेज सिर्फ और सिर्फ उधार पर है, यानी बेटे कोई भी परचेज कैश वाली नहीं है, तो यही परचेज हमारी चली जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, बाई ट्रेडिंग अकाउंट, बाई ट्रेडिंग अकाउंट, बाई ट्रेडिंग अकाउंट, ये चली जाएगी कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट में।
और ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ है भाई, 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 ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेज। ट्रेडिंग भी तो एक लेजर होता है, ये कितने की परचेज है जी, अभी तो निकाला था हमने 360,000 की, 360,000। और सेल के लिए क्या कहा जी क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कहा है कि जो सेल है ना, सेल हाँ, जो सेल है हाँ, कि वो 20% तो कैश में होती है। अच्छा 20% कैश में होती है, हाँ अगर 20% कैश वाली सेल है तो जो क्रेडिट सेल है ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है भाई, ये कितने परसेंट है, देखे कौन सा बच्चा सबसे पहले सेस पे लिख के बताएगा टोटल सेल कितनी है और कैश में सेल कितनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं और वेट कर रहा हूं, कह रहा है कि टोटल सेल्स का 20% कैश में सेल है, अगर ऐसा है तो टोटल सेल्स कितनी है और कैश सेल्स कितनी है। वाराणसी का जवाब आया 90,000 और 9 लाख, श्रीगंगानगर ने बताया 80% है, वेरी गुड। लक्ष्मी नगर, पटना, पटना तुम्हारे यहां से तो 85 आए एक बच्ची के, हाँ श्रीगंगानगर बोलो अमाउंट, बोलो अमाउंट, टोटल सेल्स की अमाउंट बोलो श्रीगंगानगर। चलिए बेटे ये जो सेल है ये 80% के बराबर है बच्चों, तो टोटल सेल्स कितनी है भाई, टोटल सेल्स कितनी है 720 इंटू 100/80, यानी कि 900, यानी बेटे 9 लाख, वेरी गुड। तो 9 लाख की सेल है टोटल सेल, इस टोटल सेल में से अगर मैं घटा दूं क्रेडिट वाली सेल, और बेटे क्रेडिट वाली सेल कितने की है, वो है 720,000, भाई थोड़ा नीचे कर दीजिए, तो 720,000 अगर मैं घटा दूं इसमें से तो कितनी बच जाएगी, 180,000, 180,000। और मैं ये मान रहा हूं कि बच्चे मेरे साथ साथ लिख रहे हैं इसको, ये है 100%, ये है 80%, और बची क्या 20%। आगे चलो, तो जरा एक एक की पोस्टिंग करते हैं बेटे, एक एक की पोस्टिंग करेंगे रेड, जरा एक तो भाई क्रेडिट वाली सेल, भाई इसकी एंट्री क्या होगी, डेटा डेबिट टू सेल, डेटा डेबिट टू सेल हम पोस्टिंग कर चुके हैं। दूसरी बची कैश वाली सेल, दूसरी बची बेटे कैश वाली सेल, और बेटे कैश वाली सेल कितने रुपए की है, 180, 1,80,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, टू सेल 1,80,000। तो एक तो बेटे कैश वाले लेजर में और एक सेल वाले लेजर में, सेल वाले लेजर में क्या लिखेंगे, बाई कैश 1,80,000। मैंने माना यहां तक सब ओके है, आगे चलो। देखो बेटे फिर क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है क्या, बस सेल को भेज दूं क्या मैं ट्रेडिंग में, हाँ जी सेल की बात तो खत्म हुई, तो क्यों ना हम सेल को भी ट्रेडिंग में भेज दें, टोटल सेल हो गई 9 लाख की और 9 लाख को भेज देते हैं ट्रेडिंग में, 9 लाख, और ट्रेडिंग में क्या लिखेंगे जी, बाई सेल, ट्रेडिंग में क्या लिखेंगे बेटे, बाई सेल। क्या ये पटना वाला सेंटर सेम है, एक बार बेटे हाथ उठाना पटना वाले बच्चे, ये तो कोई और है, ट्रेडिंग में आ गए जी, बाई सेल 9 लाख, ये कोई और सेंटर लग रहा होगा, हाँ श्रीगंगानगर का तो सही है एक सेंटर, यही है 9 लाख। आगे चलो जी, आगे चलो,
करंट रेशो एज ऑन 31 मार्च 1997 वाज एग्जैक्टली 2. देखेंगे इसका क्या करेंगे, अभी बाकी देखते हैं. टोटल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, क्या कहते हैं बेटे, टोटल एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन के अलावा 2,50,000 रुपए का था. कितने का था बेटे, 2,50,000 रुपए का. अब वो जो 2,50,000 रुपए का एक्सपेंसेस था वो किस में था, ऑफ कोर्स वो पे किए गए हैं, आउटस्टैंडिंग नहीं है जब क्वेश्चन ने नहीं कहा. अब है तो ये तो बात पता चले कि वो कैश में से पे किए हैं या उनके लिए चेक दिया गया है, अभी हमें यही नहीं पता. बेटा जरा ध्यान से, अगर ऐसा है, अगर 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 ऐसा है तो ध्यान से, हम इसमें से कुछ भी मान सकते हैं. कुछ भी मतलब कि हम मान सकते हैं कि वो बैंक से पे किए गए थे, और हम मान सकते हैं कि भाई वो जो बैंक से पे नहीं किए गए थे वो कैश से पे किए गए थे. ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल फॉर द सिंप्लीफिकेशन मैं ये मान रहा हूं कि जो खर्चे हैं वो पे किए गए थे आधे आधे, कुछ बैंक से और कुछ कैश से, आधे आधे. तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 125 और एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 125, 1,25,000. मुझे पता है बच्चों का क्या डाउट आएगा, सर हाँ ऐसा जरूरी है क्या कि हम इसको आधे आधे मान लें? नहीं बेटे, कोई जरूरी नहीं है. तो क्या हम ये मान सकते हैं कि सारा का सारा पेमेंट जो है वो कैश में था? हाँ ऐसा भी मान सकते हैं. क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि सारा का सारा पेमेंट वो बैंक से कर रखा था? हाँ बेटे बिल्कुल वैसा भी हम मान सकते हैं. चलिए तो फिर आगे चलते हैं. अगला नंबर. अब ये एक्सपेंसेस के बारे में कोई और एडजस्टमेंट है क्या? आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, अगली एडजस्टमेंट पढ़ते चलो. कह रहा है डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड, भाई उसकी तो हम बात करेंगे, लेकिन हम एक एक्सपेंस का लेजर खोल ही लेते हैं. एक बेटे एक्सपेंस का लेजर खोल लेते हैं. आई एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 125 और टू बैंक 125, 1,25,000. 1,25,000 कुछ कैश में पे हुआ और कुछ हुआ किसमें पे, बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू. डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड 10% ऑन द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ, डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड 10% ऑन द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स. बोलो बेटे डेप्रिसिएशन कितना है, कैलकुलेटर का है जी दराज में. डेप्रिसिएशन लगाने तो चले, लेकिन एक एडजस्टमेंट और आ गई यहां पर. एक असेट्स भी खरीद रखी थी हमने, यानी एफ एडजस्टमेंट को बाद में करना पड़ेगा, पहले करेंगे जी एडजस्टमेंट. जी एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 4, फिक्स असेट्स खरीदी जी एक. तो एक लेजर हम फिक्स असेट्स का बना रखा है क्या हमने? यस बना रखा है जी. क्या कह रहे हैं जी, कितने की असेट्स खरीदी? कह रहे हैं 2,25,000 की असेट्स खरीदी. तो 2,25,000 की जो असेट्स खरीदी, जो खरीदी वो किससे खरीदी, कैश में कि बैंक से? ऑफ कोर्स बेटे बैंक से. लो जी टू बैंक. और ये है जी कितने रुपए की अभी पड़ी थी हमने, 2,25,000. 2,25,000 की असेट्स भी हमने खरीद ली. और दूसरी पोस्टिंग कहां पे होगी जी, बैंक में. बाई फिक्स्ड असेट्स, बाई फिक्स्ड असेट्स 2,25,000. 2,25,000. आगे चलो, आगे चलो. नेक्स्ट. अब डेप्रिसिएशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कोई और एडजस्टमेंट है ही नहीं बेटे. लगाओ बेटे डेप्रिसिएशन. बाई डेप्रिसिएशन कहते हैं जितने की आपको फिक्स असेट्स ईयर एंड पे मिले उस पर आप डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, बाकी बैलेंस शीट कर दीजिए. तो 1,45,000 प्लस 2,25,000 का 10% आ गया कितना, 37,000. 37,000 घटाओ जी, 3,33,000. 3,33,000. ओहो
तो बेटे 370,000 नेक्स्ट, अब बेटे ये डेप्रिशन कहां जाएंगे, डेप्रिशन कहां जाएगा जी, डेप्रिशिएशन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, टू डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स। श्री गंगानगर में दो बच्ची बात कर रही हैं। आगे पेमेंट टू क्रिएटर्स इंक्लूड 50,000 बाय कैश, पेमेंट टू क्रिएटर्स इंक्लूड 50,000 बाय कैश, कैश में बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, क्रिएटर्स हैं कितने के पेमेंट किया 50,000, 50,000। और ये कहां जाएगा जी, दूसरी जगह बेटे क्रिएटर्स में, ये 50,000 का पेमेंट क्रिएटर्स में भी जाएगा। आई होप कि आपको प्रॉपरली विजिबल है बेटे, जूम कराना है क्या मुझे बता देना, कहीं ऐसा ना हो आपको छोटा छोटा दिख रहा हो। क्रिएटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रिएटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000। आगे चलो। रिसीव फ्रॉम डेटर्स इंक्लूडेड 5,90,000 बाय वे ऑफ चेक, बेटे 5,90,000 अमाउंट रिसीव हुई किससे, डेटर्स से, किसके माध्यम से, चेक के माध्यम से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 5,90,000, 5,90,000, 5,90,000, 5,90,000 बाय वे ऑफ चेक। और डेटर्स के यहां पर क्या होगा, बाय डेटर्स ये रहा, बाय बैंक 5,90,000। मैंने माना यहां तक सब ओके है। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1,20,000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1,20,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आपको याद है जब आप छोटे बच्चे थे, अब से 2-3 महीने पहले, तब आपको ये सिखाया जाता था कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, वही तो हम कर रहे हैं आज, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1,20,000। नेक्स्ट, पर्सनल ड्रॉइंग्स फ्रॉम बैंक, ड्रॉइंग्स कर रहे हैं जी बैंक से, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक तो यहां पर ड्रॉइंग्स का लेजर खुल गया जी, कितने रुपए के ड्रॉइंग्स हैं, सर थोड़ा जूम रखो ना इधर, हैं जी कहां गए, जूम कर दीजिए इसको थोड़ा सा, जूम करना है ना बीच में छोटा हो रहा है। बाय ड्रॉइंग्स कितने के हैं जी, ड्रॉइंग्स हैं जी 50,000 के, ड्रॉइंग्स हैं, बाय ड्रॉइंग्स ये हैं जी 50,000। एक लेजर अब और खुल जाएगा जी वो कौन सा लेजर होगा जी, ड्रॉइंग्स का लेजर है, एक लेजर और खुल जाएगा जी, ये है कौन सा, ड्रॉइंग्स का लेजर है, जूम रखना, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000, जूम कर लीजिए ना थोड़ा सा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक
फिक्स असेट्स परचेज एंड पेड बाय चेक 2,25,000, ये तो काम हो चुका है। अब क्या रह गया जी, बस एक ही चीज तो रह गई, वो है आपकी कैश का अकाउंट का बैलेंस, करंट रेशो से जो आएगा। हाँ जी, अब देखो बेटे फटाफट से लेजर पैक करते हैं जरा, कैश के अलावा बाकी सारे लेजर पैक करेंगे। ड्रॉइंग्स अकाउंट, पता है आपको ड्रॉइंग्स को कैपिटल में भेज दिया जाता है वैसे तो, बट स्टिल कई बार इसको ट्रायल में दिखाया जाता है, मैं उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। बाई बैलेंस सी डी 50, टू बैलेंस बी डी 50, बाई बैलेंस सी डी 50 और टू बैलेंस बी डी 50। बेटे एक एक लेजर को पैक करते जा रहे हैं और भेजते जा रहे हैं जहां पे भेजना है। ये ड्रॉइंग्स कहां जाएंगे जी, ये बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में कहां पर जी, थोड़ा ऊपर करना, बैलेंस शीट में कहां पर जी, ये कैपिटल लिखी हुई है सर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना। अरे आप वहीं पर हो ना यार, बार बार जरूरत पड़ रही है, ये ऊपर कर दीजिए। कैपिटल में से घट गया बेटे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितने रुपए के थे अभी भूल गया, ड्रॉइंग्स से अभी कितने के ड्रॉइंग्स किए थे, 50,000 ना, हाँ 50,000, 50,000। अगला नंबर, अच्छा पर्सनल ड्रॉइंग्स वाला डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आया, देखो दोस्त धन्यवाद। जब ड्रॉइंग्स करते हैं तो क्या एंट्री होती है बताओ, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब बैंक से ड्रॉइंग्स करेंगे तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में पोस्टिंग कहां पे होगी, बाई साइड में होगी ना धन्यवाद। धन्यवाद एंट्री करके बताता हूं मैं आपको। लीजिए आप जन एंट्री देखिए एक बार इसकी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए, 50,000 रुपए। अब ये दो जगह पे पोस्टिंग होगी धनबाद, एक तो ड्रॉइंग का लेजर होगा और एक बैंक का लेजर होगा। ड्रॉइंग के लेजर में क्या लिखा जाएगा, टू बैंक, और बैंक के लेजर में क्या लिखा जाएगा, बाय ड्रॉइंग। ठीक है धनबाद, जल्दी बोलो। अब ड्रॉइंग के लेजर की बात करूं, पहले मैं बैंक के लेजर की बात करता हूं, लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स, ये देखो बैंक का लेजर बाय ड्रॉइंग्स, फिर ड्रॉइंग्स के लेजर में है। आपका ओके आ गया, बट स्टिल मैं बात पूरी करूंगा, ड्रॉइंग्स के लेजर में टू बैंक, ओके। और इसको प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहां दिखाएंगे, कैपिटल में से घटा करके दिखाएंगे, ऊपर कैपिटल में से घटा करके दिखाएंगे बेटे। अब कैपिटल का लेजर का बैलेंस देखो जरा फटाफट से, एक एक लेजर को पैक करते जा रहे हैं, चलो एक सीक्वेंस से लेजर पैक करते हैं। ये हो गया, हो गया। अब हम इधर आते हैं, किधर, एक्सपेंस वाले लेजर पे, कितने के हैं, 250 के हैं जी खर्चे, तो ये ट्रेडिंग वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस वाले हैं, मतलब ये कि ये डायरेक्ट हैं कि इनडायरेक्ट हैं, कुछ ना बोले तो खर्चे हमारे इनडायरेक्ट माने जाते हैं, तो ये कहां जाएंगे बेटा, पीएनएल में, 2,50,000, तो ये पीएनएल में भेज देता हूं, इसको भी हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं जी, तो ये लेजर भी हमारा पूरा हो जाएगा। टू एक्सपेंस 2,50,000, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चों का छूट नहीं रहा है, बच्चा समझ भी रहा है, साथ में नोट भी कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा होच पोच नहीं चल रहे, हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। आगे चलो, आगे चलो, मैं आ रहा हूं जी अब आगे वापस। तो अब मैं चल रहा हूं बेटा अब इस वाले लेजर पे, परचेज वाला लेजर, क्या हमने परचेज वाला लेजर पोस्ट कर दिया ट्रेडिंग में, यस। तो एक एक लेजर को हमें पैक करते जाना है, तो जी परचेज वाला लेजर आ चुका है, यस आ चुका है जी ट्रेडिंग में। बेटे सिस्टम समझना, सिस्टमेटिक रहना बस। अब सेल की बात करूं तो सेल वाला लेजर भी जा चुका है ट्रेडिंग में, यस जा चुका है ट्रेडिंग में, क्या लिखेंगे, बाय सेल। ट्रेडिंग में क्या लिखेंगे बेटे, बाय सेल। इसके बाद में आगे बढ़ा, एक ये अपना क्रेडिटर, इसको जरा पूरा करते हैं।
देखो बेटे जरा, क्या क्रेटर में कुछ बाकी है? यहां पर बेटे बैलेंसिंग फिगर है, क्या क्रेडिटर में कुछ बाकी है? बोलो बेटे किधर आ रही है बैलेंसिंग फिगर? इसका तो आ गया टोटल 410,000 और डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रही है। उस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या बोलेंगे? देखें कौन सा सेंटर सबसे पहले बताता है। बोलो बेटे। सर गंगानगर के अलावा कोई और कैमरा लगा देख रो, वो उन्होंने बेचारे पे एक पे जिम्मेदारी सौंप रखी है। देखो कीबोर्ड आगे रखे बैठे, एक व्हाइट शर्ट वाला एक ब्लैक शर्ट वाला। हाँ बीपी क्या है? ये ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वाराणसी। बीपी बीपी का है ये वाराणसी। जो बैलेंसिंग फिगर है वो कितने की है? कितने की है जी, कैलकुलेट करो। 410,000 माइनस 110,000, ये आ गई जी पूरी 3,00,000 की। 3,00,000 वाले को क्या बोलेंगे? टू बैंक, क्योंकि बेटे ये क्या है अपना पेमेंट है। अब ये टू बैंक हमने माना कि भाई ये कैश से पे किया तो ये चेक से पे किया, और चेक से पे किया तो बेटे बैंक में भी तो आएगा। तो ये आ गया जी बैंक क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक अकाउंट कहाँ है भाई? बैंक अकाउंट कहाँ है भाई? बैंक अकाउंट ये रहा भाई क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स ये है जी 3,00,000 रुपए का पेमेंट। तो मैंने माना यहां तक सब ओके है। तो आगे चलते हैं, हम तो लेजर पैक करने लगे थे ना। हाँ तो ये क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है 60,000 रुपए का, ये कहां जाएगा जी? बैलेंस शीट में जाएगा। ये कहां जाएगा बेटे? बैलेंस की शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में 60,000 ये रहा जी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000, 60,000 रुपए। नेक्स्ट बेटे अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगले लेजर्स कौन से हैं जी? अगले लेजर कौन से हैं? अगले लेजर कौन से हैं? कैपिटल अकाउंट। इसमें तो कोई चेंज नहीं है, टू बैलेंस सीडी, सबसे सीधा सबसे सच्चा सबसे प्यारा कैपिटल अकाउंट हमारा। 2,00,000, 2,00,000 की कैपिटल पहुंच गई बेटे बैलेंस शीट में। 2,00,000 की कैपिटल पहुंच गई बेटे बैलेंस शीट में। अब इसके बाद में अगला नंबर, अगला लेजर कौन सा है जी? अगला लेजर कौन सा है? वाराणसी कह रहे हैं कैसे सर? बताओ बेटे कौन से वाली बात पूछ रहे हो आप? वाराणसी कैसे पेमेंट हुआ? पटना पूछने कैसे पेमेंट हुआ? ये देखो बेटे क्रेडिटर्स का अकाउंट देखो जरा एक बार, आप इसी की बात कर रहे हो वाराणसी? जरा देखो इधर बेटे, यहां पर क्रेडिटर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आ रही है टू साइड में। अब दो में से एक ऑप्शन है, या तो हम उसको परचेज रिटर्न माने और या हम उसको माने कि क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ, और कुछ ना बोले तो हम रिटर्न नहीं मानते, हम मानते हैं कि पेमेंट हुआ। अब जो पेमेंट हुआ है वो पेमेंट किससे माना जाएगा? ऑफ कोर्स बैंक से माना जाएगा ना बेटे, क्योंकि कैश वाला पेमेंट तो पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, हम दोबारा से कैश थोड़ा ना मानेंगे। क्या मानेंगे? बाकी पेमेंट किससे है? बैंक से है। क्या ये बात ओके है? वाराणसी और पटना दोनों बच्चे जो पूछ रहे थे, क्या ये बात ओके है? जल्दी से बताओ बेटे। वाराणसी और पटना आपका डाउट ओके हो गया है कि नहीं? ओके है, वाराणसी का ओके आ गया। पटना बेटे जल्दी भेजो। अब हम चल रहे हैं आगे। इसके बाद में अगला लेजर बेटे, कैश और बैंक दो को छोड़ के बाकी को पूरा करना है पहले,
फिक्स असेट्स का डेप्रिसिएशन चला गया पीएनएल में, चला गया जी. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स असेट्स रह गया जी, इसको कहां भेजेंगे? बैलेंस शीट में, असेट साइड में. 3,33,000 फिक्स्ड असेट्स. तीन लाख तैंतीस हजार. नेक्स्ट, अगला लेजर कौन सा है बेटे? ये डेटर वाला लेजर है. अब डेटर वाले लेजर में देखो कितना टोटल है जी? 770,000. 770,000 अगर है तो 770,000 में से घटाओ, एक तो 60, एक 590, 1,20,000. एक मिनट, 770,000 में से हम अगर हटा दें, इसको घटा दें, तो बच गया कितना? 1,20,000 बाई कैश बैलेंसिंग फिगर, बाई कैश बैलेंसिंग फिगर, बाई कैश बैलेंसिंग फिगर. बेटे सर आपने इसको कैश अकाउंट में क्यों माना? मैंने कहा बेटे क्योंकि बैंक में कितना पैसा आया हमें दे रखा था, तो बाकी किस में आया? कैश में आया. तो कहां पे जाएगी पोस्टिंग? कैश में. कैश में क्या लिखेंगे? टू डेटर्स. अब मैं रुक गया. मुझे, मैं आगे तब बढ़ूंगा जब बच्चे मुझे यहां तक का बताएंगे. ओके एंड नोटेड. जल्दी बोलो बेटे, जल्दी. ओके एंड नोटेड. हो सकता है कि चीजें इधर से इधर आने में दिक्कत हो सकती है कुछ बच्चों को, क्योंकि बेटे कैमरा मूव करता है ना, तो दिक्कत हो जाती है. वाराणसी का ओके नोटेड आ गया है. बाकी सेंटर भी जल्दी से बताएं. बोलो जी बोलो बेटे, जल्दी बोलो. श्री गंगानगर का तो पहले से है, वो तो बैठे हैं बेचारे, बाल सवार रहे हैं, ब्लैक शर्ट, हाँ ब्लैक टी शर्ट, अच्छा जैकेट. धन्यवाद. ओके नोटेड आ गया तुम्हारा भी. तुम मुस्कुरा रहे हो बेटे, यही तो चाहता हूं मैं, मुस्कुराओ. वेरी गुड. हाँ बेटे धन्यवाद का भी आ गया. लक्ष्मी नगर दिया तले अंधेरा. चलो चलो जी आगे बढ़ते हैं. अगला नंबर. हाँ जी, तो अब रह गया क्या? एक पॉइंट रह गया बस. ये मत सोचना कि मैं धीरे धीरे कराता हूं तो हम नींद पूरी कर लें. मैं धीरे धीरे इसलिए करा रहा हूं ताकि आप जम जम के प्रैक्टिस करें आराम आराम से. अब क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने एक बात बोल दी, क्या? कि हमारा जो है क्विक रेशो, सॉरी करंट रेशो में दे रखा है. लेकिन एक बात तो पक्की है यहां पर, क्या? कि क्या हमारे पास में कैश बैलेंस बचा होगा? जल्दी बताओ बेटे, क्या हमारे पास में कैश का बैलेंस बचा होगा? आंसर इज नो, नहीं बचा होगा. हमारे पास में कैश का कोई भी बैलेंस नहीं बचा होगा. लेकिन एक बात पक्की है, जब आग लगी तो हमारा कैश का लॉस हो गया होगा. जूम कर देना थोड़ा. हमारा लॉस हो गया होगा बेटे, कैश बाई फायर. इसका टोटल करो, बैलेंसिंग फिगर विल बी लॉस बाई फायर. ये है जी 305. हाँ जी, टोटल कितना है? 305 और बैलेंसिंग फिगर है 10 रुपए. तो 10 रुपए का हमारा लॉस बाय फायर है बेटे, 10,000. बिल्कुल सही गंगानगर. तो ये 10,000 का लॉस भेज दे के हम दो चीज की बात पूरी करते हैं.
एक तो कैश अकाउंट का बैलेंस जीरो है जी, अब बैलेंस शीट में बचा ही नहीं जी, और ये जो लॉस बाय फायर है 10,000, ये चला जाएगा जी, कहां पे चला जाएगा, पीएनएल में। तो ऐसे लेजर बनाना हम इग्नोर कर सकते हैं, पीएनएल में भेज दो जी, पीएनएल में भेज दो जी, टू लॉस बाय फायर 10,000, 10,000 का बेटे लॉस हमने भेज दिया कहां पर, पीएनएल में, 10,000 का बेटे हमने लॉस भेज दिया पीएनएल में। नेक्स्ट, अब ये देखो क्वेश्चन ने क्या चीज और हमें बता रखी है, क्वेश्चन ने हमें बता रखी है क्या, एक करंट रेशो में बता रखा है, करंट रेशो। और जी करंट रेशो का क्या मतलब है जी, करंट रेशो, जिस रेशो में करंट होता है वो रेशो करंट रेशो होता है, बोलो ऐसा है क्या, नहीं। करंट असेट्स, करंट असेट्स को डिवाइड कर दें अगर हम करंट लायबिलिटी से, यानी कि तब हमारा करंट रेशो होता है। आपको काफी बच्चों को पता होगा, मैं सीधा सीधा कहूं कि जितनी हमारे पास करंट लायबिलिटी है उसका 2 times करंट असेट्स है, ठीक है। तो जरा देखो हमारे पास लायबिलिटी में है क्या, और हमारे पास लायबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर्स है, हमारे पास बेटे लायबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर्स है। अगर ऐसा है तो 60,000 की करंट लायबिलिटी के लिए के 2:1 के रेशो के हिसाब से, 2:1 के हिसाब से करंट असेट्स कितनी बन के आएगी बताओ बेटे, करंट असेट्स कितनी बन के आएगी, करंट असेट्स कितनी बन के आएगी, करंट असेट्स बन के आएगी 1,20,000 रुपए करंट असेट्स, क्योंकि 2 times है ना करंट लायबिलिटी के। वेरी गुड धन्यवाद। अब इसका मतलब क्या है, ये करंट असेट्स है, हाँ है, तो करंट असेट्स में क्या क्या चीज शामिल है, आपकी करंट वाली असेट्स, क्लोजिंग स्टॉक होगा, बैंक होगा, कैश होगा बेटे, डेटर्स भी होंगे जो आपकी करंट वाली असेट्स है। डेटर्स कितने के हैं लेजर से देखो बेटे, 60,000 के आपके डेटर्स हैं जी, 60,000 के आपके डेटर्स हैं। और स्टॉक कितने का है जी, 40,000 का। अच्छा ये 30 हटा देना, फिगर्स इन थाउजेंड। तो इसमें से 1,20,000 की मैं बात करूं तो 1,20,000 में से अगर मैं हटा दूं दो चीजें, एक तो आपका बैंक नहीं डेटर्स, एक तो बेटे आपके डेटर्स जो मुझे पता है, इधर जूम करना, और आप डेटर्स कितने के हैं 60,000 के, और स्टॉक जो हमें पता है स्टॉक कितने का है बेटे 40,000 का, अगर मैं इनको हटा दूं तो कितने रुपए बच जाएंगे 20,000। 20,000 क्या है करंट असेट्स का बचा हुआ हिस्सा, वो है सिर्फ और सिर्फ बैंक, क्योंकि कैश तो जीरो हो चुका है, ये बात कंफर्म है, आग लग चुकी है कैश में, तो कैश तो जीरो है। प्लीज एक बार इसको नोट कर लो बेटे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो मैंने माना यहां तक सब ओके है, ओके आइए जी। अब यानी बेटे एक बात कंफर्म है कि ये बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन ये है बेटे 20,000, ये है आपका 20,000। जरा फटाफट से देखो तो जरा, कहीं कोई बैलेंसिंग फिगर आ रही है क्या, कहीं पे कोई बैलेंसिंग फिगर आ रही है क्या। टोटल करो 10+590+120, इधर का टोटल है 7,20,000 और उधर 1,25,000+2,25,000+50,000+300+200,
ये भी बेटे 7,20,000। बेटे प्लीज बैंक अकाउंट को पूरा कर लो। मैं रुक गया और बच्चे मुझे बोलेंगे ओके एंड नोटेड, तो मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी ओके एंड नोटेड, जल्दी बोलो बेटे जल्दी, तभी आगे बढ़ेंगे। ओके का मतलब समझ में आ गया, नोटेड मतलब नोट हो गया है। ओके श्री गंगानगर का तो पहले से था, चलिए मैंने माना कि बाकी सेंटर का भी यही जवाब है, कई लोग सेस पे नहीं बता पाते। बैंक है बेटे 20,000 रुपए का और कैश अपना जीरो है, निल। और ट्रेडिंग परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं, आइए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए जी फटाफट से बेटे टोटल लगाओ, बताओ डेबिट साइड का टोटल 9,40,000, तो 9,40,000 में से घटाओ जी कितना बच गया जीपी, 9,40,000 माइनस 40,000 माइनस 3,60,000, 5,40,000 टू जीपी कैरी डाउन और बेटे बाई जीपी ब्रोड डाउन 5,40,000। बेटे अब देखो जरा फटाफट से कितना टोटल है, 5,40,000 और नेट प्रॉफिट कितना आ गया जी। सॉल्यूशन पे मत जाना, सॉल्यूशन सारे सही नहीं होते, सॉल्यूशन आपको रोकते हैं मेहनत करने से। और ये नेट प्रॉफिट कहां जाएगा, इधर जुड़ जाएगा जी। सॉल्यूशन अगर मैं दे रहा हूं बेटे तो वो इसलिए दे रहा हूं ताकि हो सकता है किसी बच्चे को होमवर्क करने में दिक्कत हो तो आराम से कर ले। माइनस 50, 3,93,000 प्लस 60, 4,53,000 उधर, 3,33,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, 4,53,000। मैं रुक गया, जल्दी से बोलेंगे ओके एंड नोटेड ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं। हाँ जी ओके एंड नोटेड, बेटे जल्दी बोलो तभी आगे बढ़ेगी गाड़ी। ओके नोटेड, ओके नोटेड और ओके नोटेड। चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ही कर लें क्या, जो बड़ा खतरनाक सा लग रहा था देखने में, तो बच्चों ने अगर ट्राई करेंगे तो उनको खतरनाक लग सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए फिर फटाफट से, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। उसमें थोड़ा सा हमें, अब मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा, मैं इसको रब कर रहा हूं ये मानते हुए कि सबने नोट कर लिया है। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ें एंड डोंट वरी, मैं वो LMS पर भी डलवाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो 1 से लेके 5 तक तो आज आ जाने चाहिए LMS पे। मैं आगे के 6-7 भी कोशिश करूंगा, जो 6 हमने पढ़ा है क्लास में, कोशिश मेरी उसकी भी रहेगी, वो भी डलवा दूं LMS पे। शुरू हो जाओ बेटे क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ने के लिए, तसल्ली से पढ़ना है। कपड़ा नहीं है क्या, ढंग से पूछता ही नहीं इससे।
दोनों से पूछ के देख लिया. आंसर नंबर 7. इसमें भी बेटे आपको ट्रेडिंग परफॉर्मेंस और बैलेंस शीट ही बनानी होगी. सारे क्वेश्चन ऐसे हैं. हाँ जी आइए जी पढ़िए. एवीएल आपका एक दोस्त है एवीएल, और वो आपके पास में आया कह रहा है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं. पढ़ो देखो क्या कहते हैं. एवीएल इज एन अनएम्प्लॉयड साइंस ग्रेजुएट विथ टाइपराइटर क्वालिफिकेशन. बेटे वो अनएम्प्लॉयड था और टाइपराइटर की उसकी क्वालिफिकेशन थी. अच्छा वो क्या कह रहा है. बीइंग अनेबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन 500 रुपीज पर मंथ, कह रहे 500 रुपए महीने से ज्यादा की उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वो क्या करना चाह रहा था. वो उसने क्या किया. ही डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज ऑन टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट. तो उसने क्या किया, अपना खुद का टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया. उसको खोलने का उसने निश्चय किया. ही अप्रोच्ड, और उसने क्या किया, एक और काम किया बेटे. उसने एक बैंक को अप्रोच किया. उसने एक बैंक को अप्रोच किया किस चीज के लिए भाई. लोन लिया जी उसने. ही अप्रोच्ड यूबीएस बैंक विद सैंक्शन लिमिट. मतलब उसने एक सैंक्शन किया उसको लोन, कितने का, 20,000 का. बच्चों 20,000 का लोन उसके पास आया. जल्दी से बताओ लोन वो घर देने आएंगे या उसके बैंक के खाते में जोड़ेंगे. बोलो बेटे लोन वो घर देने आएंगे, दरवाजा खोलेंगे, नोक नोक, हाँ जी कौन, जी मेरा नाम एवीएल, अच्छा लो पकड़ो कैश, बताओ बेटे, या उसके खाते में जोड़ेंगे बैंक में. बिल्कुल सही. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटे बैंक अकाउंट की एंट्री क्या होगी, तो आप बता सकते हैं. बिल्कुल बता सकते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, यानी असेट्स में बैंक और लायबिलिटी में बैंक लोन, ऐसे बात बनेगी जी इसकी. चलिए फिर क्या कहता है. ऑन 1 जनवरी 1992 हिज फादर गिफ्टेड, बेटे 1 जनवरी 1992 को उसके पिताजी ने उसे गिफ्ट दिया. क्या गिफ्ट दिया जी, 5,000 रुपए का कैश उसको उसके पिताजी ने गिफ्ट दिया. ठीक है जी आगे बढ़ते हैं. एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी बेटे. उसने बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पर बिल्कुल सही बैंक में पैसे आएंगे, लेकिन साथ साथ में क्या होगा, वो कैपिटल में क्रेडिट होंगे, ना कि कहीं की इनकम विनकम में नहीं होंगे. वो तो घर से लेके आया ना अल्टीमेटली. ऑन जनवरी 1992 को उसने 6 टाइपराइटर परचेज कर लिए जी, और जिनकी कॉस्ट थी कितने की, 24,000 की. उनकी कॉस्ट बेटे 24,000 की थी. नेक्स्ट, अनेबल टू अंडरस्टैंड द अकाउंट्स, शुगर है उसे अकाउंट समझ में नहीं आते, और वो आपके पास में आया. क्या कहता है, अनेबल टू अंडरस्टैंड द अकाउंट्स प्रॉपरली ही सीक्स योर हेल्प इन प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि मेरी हेल्प कर दो ना पीएनएल बनाने में एंड बैलेंस शीट बनाने में रिलेटिंग टू द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 1992. 1992 में 1 जनवरी को उसने काम स्टार्ट किया, 6 टाइपराइटर खरीद करके, और उसने साल भर की कुछ ट्रांजैक्शन आपके सामने रखने जा रहा है. कह रहा है कि यार प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना ट्रेडिंग परफॉर्मेंस और बैलेंस शीट बनाने में. आप कहोगे क्या, बताओ बेटे, बनाओगे कि हेल्पलेस बोलोगे, बोलोगे हम भी खुद हेल्पलेस है, ऐसे तो नहीं होगा ना. क्या करोगे, ला इधर ला अभी बनाते हैं, कैसे नहीं बनाएंगे. देखो क्या कहता है, हिज पासबुक रिवेल्स द फॉलोइंग, उसकी पासबुक से ये बातें पता चली. अच्छा एक्सपेंसेस जो थे साल भर के इंस्टीट्यूट के वो कितने के थे. वो थे 8,400 रुपए के. देखे कौन सा बच्चा मुझे बताएगा,
ये 8400 रुपए के खर्चे बैंक में जाएंगे या कैश में से जाएंगे? बैंक में से जाएंगे या कैश में से जाएंगे? वैसे तो हम यहां पर क्वेश्चन में कैश और बैंक इकट्ठा करके चलेंगे, ये बैंक में से जाएंगे या कैश में से जाएंगे कैसे पता चलेगा? वेरी गुड बेटे, बैंक में से जाएंगे क्योंकि डाटा किसका है? ये पासबुक का। तो पासबुक में से तो बैंक से गया ना पेमेंट। कह रहे साल भर के खर्चे जो बैंक से गए, मतलब पेड 8400 रुपए, सैलरी टू सेल्फ, अपने आप को 4000 रुपए की सैलरी दी। आपको याद है जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, अभी 2-3 महीने पहले आपको सिखाया जाता था सीए फाउंडेशन में कि जब भी ड्राइंग्स होता है, जब भी सैलरी दी जाती है वो ड्राइंग्स मानी जाती है, अगर वो ओनर को दी जा रही है तो। इनकम टैक्स पे किया जा रहा है तो ड्राइंग्स माना जाता है। तो ये जो सैलरी है दिखने में सैलरी है, लेकिन ये किस में काउंट होगा? ड्राइंग्स में। अच्छा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर करो। मंथली फीस कलेक्टेड, कह रहा है हर महीने जो टाइपराइटिंग सीखने के लिए आते हैं उन लोगों से फीस कलेक्ट कीजिए। कितने की फीस कलेक्ट कीजिए? 32,700 की फीस कलेक्ट की, यानी मैं कह सकता हूं यह है इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, क्योंकि ये बैंक का डाटा है। ओके, एग्जामिनेशन फीस कलेक्टेड, आपको पता है ना आप भी जब इंस्टीट्यूट में एग्जाम देते हो तो वहां पर क्या क्या करते हैं बताओ? वहां पर एग्जामिनेशन की फीस भरी जाती है और वो फीस इंस्टीट्यूट की इनकम होती है। ऐसे ही ये भी अपने यहां पर एग्जाम ले रहा था, टेस्ट ले रहा था, हम भी टेस्ट लेंगे बस उसकी फीस नहीं लेंगे। तो ये जो टेस्ट की फीस है ये क्या है? एग्जामिनेशन की फीस क्या है? इस इंस्टीट्यूट की इनकम है। बेटे ध्यान देना इस चीज पर। आगे देखो क्या लिखा है, द फॉलोइंग आर एडिशनल डिटेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कि ये जो है ना ये 8 डिटेल और हम दे रहे हैं। ऊपर जो पासबुक की डिटेल दी है तो दी है, साथ में हम 8 डिटेल और दे रहे हैं, और इन डिटेल का यूज करो और अब बना दो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है पहले क्वेश्चन को अपने हाथ में लेना। हाथ में का मतलब ये नहीं है कि बुक में बुक पकड़ ली, हाथ में का मतलब बेटे एक एक चीज कंट्रोल में चीज चलनी चाहिए। चलिए तो शुरू हो जाते हैं। अब तो क्या होगा, क्वेश्चन ने हमें ट्रांजैक्शन बताई और हम उनको कन्वर्ट करते जाएंगे किस में? डबल एंट्री में। पढ़ो एक एक ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन, सबसे पहली ट्रांजैक्शन, उसके पास में 5,000 रुपए गिफ्ट के नाम के आए, ठीक है जी, उसके पापा ने 5,000 रुपए उसको गिफ्ट के नाम के दिए। तो ठीक है हम बनाते हैं इसका सबसे पहले लेजर कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। टू, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस था? नहीं था, अभी तो शुरू किया था उसने बिजनेस। तो जो पापा से गिफ्ट लेकर के आया ये किस में काउंट होगा? कैपिटल में, जो उसको गिफ्ट मिला कैपिटल में काउंट होगा बेटे, 5,000 का गिफ्ट। दूसरी बात, उसने बैंक से लोन लिया, उसने बैंक से लोन लिया, लेकिन रुको एक और लेजर बन गया ना इससे। अगला लेजर कौन सा बन गया जी? अगला लेजर कौन सा बन गया? अगला लेजर बन गया कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय कैश ऑब्लिक बैंक 5,000 रुपए। बाई कैश ओब्लिक बैंक बेटे 5,000 रुपए। नेक्स्ट पढ़ते जाओ और बस कन्वर्ट करते जाओ और काम खत्म। क्या कहता है जी? 24,000 रुपए के टाइपराइटर हैं जो उन्होंने खरीदे, 24,000 रुपए के टाइपराइटर हैं जो उन्होंने खरीदे, लेकिन खरीदेंगे तो तभी जब पैसे होंगे। इससे पहले बैंक से लोन आया जी उसके पास में, कितने का लोन आया जी? 20,000 रुपए का लोन आया। तो 20,000 रुपए का बैंक लोन ले लेते हैं, टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 20,000 रुपए।
हम जनरेंट्री तो नहीं करेंगे लेकिन जनरेंट्री बोलेंगे जरूर ताकि पता रहे पोस्टिंग क्या कर रहे हैं। दूसरी एंट्री कहां जाएगी पोस्टिंग में? सी अकाउंट में। सी अकाउंट कौन सा है जी? बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन अकाउंट बाई कैश एंड बैंक। हालांकि ये पैसा बैंक में ही आता है पर क्योंकि हम लेजर ये खोल रहे हैं दोनों का इसलिए हमने लिखा कैश एंड बैंक। आगे चलो चलते चलो अगला नंबर बेटे। उसने टाइपराइटर खरीदे जी। उसने टाइपराइटर खरीदे तो ठीक है। टाइपराइटर खरीदे मतलब बेटे फिक्स एसेट्स कितने रुपए की है जी? ये टाइपराइटर है जी 24,000 रुपए के। तो 24,000 रुपए के टाइपराइटर खरीद ले जी बाई टाइपराइटर। ये कुछ बच्चे ऐसे लिखना चाहे तो बेटे ऐसे भी लिख सकते हैं वो इसको फिक्स असेट्स बोल सकते हैं। टाइपराइटर फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अब ये टाइपराइटर हम अलग से अकाउंट खोलेंगे यहां पर डी पॉइंट। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 24,000। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक बेटे 24,000। आगे चलो अगला नंबर बेटा। ही अप्रोच अच्छा इसके बाद में अनेबल टू अंडरस्टैंड उसने आपकी हेल्प मांगी। आपने कहा ला भाई अपनी पासबुक को पासबुक ले आया और खर्चे हुए 8400 रुपए के। 8400 रुपए के खर्चे हुए तो 8400 रुपए के खर्चे आप क्या लिखोगे? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 8400। अब एक लेजर और खुल गया जी। अब एक लेजर और खुल गया जी। टू बैंक 8400। नेक्स्ट सैलरी टू सेल्फ। क्या बेटे? सैलरी टू सेल्फ इसका मतलब क्या है जी? ड्रॉइंग्स हुए हैं। ड्रॉइंग्स हुए हैं बेटे ड्रॉइंग्स। कितने रुपए की सैलरी है? 4,000 रुपए की। उसने अपने आप को सैलरी दी तो सैलरी ड्रॉइंग्स में आएगी बाई ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कौन से वाले ड्रॉइंग्स? ये सैलरी वाले ड्रॉइंग्स हैं टू बैंक 4,000 रुपए। इसका मतलब एक और लेजर खुल गया। एक और लेजर खुल गया जी। ड्रॉइंग्स का लेजर टू बैंक 4,000 रुपए। नेक्स्ट फिर है 32,700 की फीस कलेक्ट हो गई जी। 32,700 की फीस कलेक्ट हो गई जी मंथली फीस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस इनकम टू मंथली फीस इनकम। ये फीस कितने की है? 32,700 की। 32,700 रुपए की। अब एक लेजर सर वो एक मंथ का है ना? कौन से वाला एक मंथ का है? एक मंथ का। अच्छा मैं समझ गया।
ये मंथली लिखे होने से तुम ये समझ रहे हो कि ये सारे खर्चे एक महीने के हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है बेटे, ये सारे के सारे खर्चे ना पासबुक की पूरी डिटेल है साल भर की, देखो जरा गौर से, जरा पढ़ो तो सही। हिज पासबुक रिवेल्स एक्सपेंसेस इतने, मंथली फीस कलेक्टेड का मतलब है कि साल भर में जो मंथली फीस कलेक्ट हुई। अब सैलरी की बात करूं तो साल भर में जो सैलरी हुई ड्रॉइंग्स के नाम की, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चार, अच्छा मंथली फीस का लेजर बनाओ जी, एक एफ और जी, मंथली फीस इसमें आ गया जी बाई बैंक, कैश और बैंक 32,700, बाई कैश और बैंक। एग्जामिनेशन फीस कलेक्टेड, तो कैश और बैंक में आ गया जी इधर टू एग्जामिनेशन फीस कलेक्टेड 4,200 रुपए। हाँ जी बेटे 4,200 रुपए एग्जामिनेशन फीस कलेक्टेड। नेक्स्ट, अब एग्जामिनेशन फीस कलेक्टेड के साथ साथ में हमें एक चीज और देखनी है, पर एक लेजर और बन जाएगा, एच वाला लेजर। एग्जामिनेशन फीस कलेक्टेड बाई कैश ओब्लिक बैंक 4,200, 4,200 एग्जामिनेशन फीस कलेक्टेड 4,200। नेक्स्ट है बेटा, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स अवेलेबल, बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस 8 भी कहां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कह रहे हैं। आठवां पॉइंट पढ़ो, एज्यूम दैट ऑल द ट्रांजेक्शन रूटेड थ्रू बैंक एंड नो कैश इज हैंडल। तो आप यहां पे कैश और बैंक ना लिख के खाली बैंक लिखोगे तब भी बात ओके है। अब जरा 7 पॉइंट रह गए, ये खत्म, तो मतलब सारा का सारा काम खत्म हो गया इस क्वेश्चन में। क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द ईयर एवीएल परचेज इज सेकेंड हैंड साइकिल। ड्यूरिंग द ईयर हुआ क्या, एवीएल ने परचेज की एक सेकेंड हैंड साइकिल, और सेकेंड हैंड साइकिल जो परचेज की वो थी बेटे, उसकी कॉस्ट थी 400 रुपए, उसकी कॉस्ट थी 400 रुपए। एवीएल कौन, उस बिजनेस का मालिक। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटे, अब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे लोग इस टाइम पर पेन नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये दिक्कत करने वाला पॉइंट है। यहां पर इस पॉइंट में अक्सर बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो आइए जरा क्या कहते हैं जी ये क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर एवीएल ने परचेज की एक सेकेंड हैंड साइकिल 400 रुपए की फ्रॉम ए स्टूडेंट। एवीएल कौन है, इस बिजनेस का मालिक, मतलब ये टीचर। और यहां पर एच, मैं आई लेजर बना रहा हूं, ये लेजर है साइकिल का, फिक्स असेट्स है बेटे साइकिल। ये इतना जूम रखना क्योंकि ये इतनी जरूरत पड़ेगी पूरी डेप्थ में। हाँ थोड़ा सा ऊपर कर लो बस, यस बेटे सामने देखना बोर्ड पे, एवीएल ने परचेज की साइकिल जिसकी कॉस्ट थी 400 रुपए फ्रॉम ए स्टूडेंट जो कर्जदार था, 100 रुपए की मंथली फीस उस पर बची हुई थी, और बाकी उसने क्या किया, उसको पे कर दिया। बाकी क्या किया बेटे, बाकी उसको पे कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं साइकिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक तो ये बात हो गई, कितने रुपए, 300 रुपए का तो पेमेंट हो गया जी, 400 रुपए की है ना बेटे साइकिल, साइकिल बेटे 400 रुपए की है ना, सारे बच्चे अभी भी पेन चला रहे हैं। साइकिल अकाउंट डेबिट टू बैंक बेटे, प्लीज पैर मत चलाओ, दिमाग चलाओ, क्योंकि यहां इस क्वेश्चन में अगर कोई ब्रेक लगाने वाला पॉइंट है तो वो यही पॉइंट है। सैलरी साइकिल अकाउंट डेबिट टू बैंक 400 रुपए, तो पहले तो मैं बैंक में लिखाता हूं, ये रखना बाई साइकिल, पहले तो बेटे मैं यहां पे लिख दिया मैंने, 300 रुपए गए साइकिल में, साइकिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में आ गई बाई साइकिल, बेटे साइकिल में आ गई टू बैंक। अब मैं बढ़ रहा हूं इससे आगे, अब इसके बाद में 100 रुपए की फीस उस पे उधार थी और कहा
कि 400 में से 100 रुपए तो तेरे वाले कट गए, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि उस बंदे की एवीएल के पास में फीस आ गई। बताओ बेटे, फीस जो 100 रुपए की आई है वो कैसे आई है? जल्दी बोलो बेटे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटे, जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो, वो कैसे लेकर के आया है 100 रुपए? बेटे 100 रुपए उसने साइकिल में लगवा लिए, तो मंथली फीस अगर कैश देता तो कैश अकाउंट डेबिट टू फीस लिखता ना, उसके बदले क्या हुआ? साइकिल का एक टायर उसने 100 रुपए में ले लिया और बाकी का कैश दे दिया उसको। तो कहने का ये मतलब है बेटे, इसकी एंट्री क्या हुई, मैं जन एंट्री करके दिखा रहा हूं, साइकिल अकाउंट डेबिट, साइकिल तो 400 रुपए की है पूरी की पूरी। साइकिल तो 400 रुपए की है। बोलो अब मैं क्या लिखूंगा यहां पर? टू बैंक, मैं यहां पे लिखूंगा जी टू बैंक 300 रुपए। नलायक डाउट, देखो क्या भेजा, साइकिल के पेंडल नहीं है। हाँ लगा रहा हूं, अभी मंगवा रहा हूं। और टू 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 मंथली फीस इनकम, भाई ये प्यार का वर्ड था, कभी दिल पे ले लो इसे। मंथली फीस इनकम, शैतान बच्चा कह रहा है कि सर साइकिल के पेंडल मंगाओ, थोड़ी देर में फिर कहेंगे इस पर चैन रह गई, चैन कवर नहीं है इस पे, मैं साइकिल ही हटा देता हूं। लो बेटे, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 22 साइकिल, तो साइकिल के 100 रुपए यहां पर टू मंथली फीस इनकम 100 रुपए। मंथली फीस इनकम 100 रुपए, और ये 400 रुपए कहां पे? 400 रुपए बेटे साइकिल के हैं ये। किसी बच्चे को यहां पे कोई डाउट है तो बेटे से इस पे लिख के भेजो, वरना बोलो ओके एंड नोटेड। अगर डाउट नहीं है तो बेटे लिख के भेजो ओके एंड नोटेड, क्योंकि फिर मैं इसमें आगे तभी बढ़ूंगा। ओके एंड नोटेड, अगर बात समझ में आ गई है तो, नोट कर ली है तो। नोट ओके, धनबाद कह रहे हैं नोट ओके, ठीक है ये अच्छा लगा मुझे, अगर नहीं समझ में आया तो तुरंत बोलो, वेरी गुड। देखो धनबाद, आराम से ये देखो धनबाद, वो साइकिल कितने रुपए की है? जल्दी बताओ धनबाद, वो साइकिल कितने रुपए की? वो साइकिल है 400 रुपए की, तो अगर हम उसे 400 रुपए दे दें तो हम क्या बोलेंगे? टू बैंक 400 रुपए, और उससे अगर हम अपनी 100 रुपए ले लें फीस के जो उस पर उधार रह रहे हैं धनबाद, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू मंथली फीस बाई बैंक 100 रुपए। बोलो बेटे धनबाद, ये तो ओके है ना? बस हमने उससे ये कहा कि एक काम करो ना, तुम 100 रुपए मत लाओ, और तुम हमें 100 रुपए दोगे और फिर हमसे 400 रुपए लोगे, इससे बढ़िया एक काम करो ना, 100 रुपए तो तुम अपने साइकिल में एडजस्ट करवा लो, साइकिल में एडजस्ट करवा लो 100 रुपए, और बाकी तुम हमसे कैश ले लो। तो एंट्री क्या बैठेगी? साइकिल अकाउंट डेबिट टू मंथली फीस, टू मंथली फीस 100 रुपए। वो क्या कह रहे हैं? तुम 100 रुपए लाओ मत और हमसे 100 रुपए ले जाओ मत, तो 400 ना ले जाके आप क्या कितने करो, 300 ले जाओ, बाकी 100 रुपए फीस में लेके जाओ। मुझे बताओ धनबाद, क्या अभी भी ओके नहीं है? धनबाद बेटे जो भी आया समझ में लिखो, नहीं है तो नहीं है, दोबारा बताओ, तीसरी बार बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको जब तक क्लियर नहीं है तब तक नहीं आगे बढ़ूंगा। आ गया धनबाद का ओके, तो धनबाद मैं अब ये काटा पीटी हटा दूं क्या बेटे यहां से? है ना, मैं साफ साफ लिख दूं,
बाई बैंक के बजाय बाई साइकिल, और टू बैंक कितना 300 रुपए, और टू मंथली फीस 100 रुपए। मैं बड़ा बेटे अब आगे, अगला नंबर है बेटे, सीधा आएंगे पहले पॉइंट नंबर 6 पर आ जाइए बेटे, पॉइंट नंबर 6 पर आ जाइए बेटे, पहले डेप्रिशन लगाने का काम निपटा लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 पर आ जाइए, एक तो जी डेप्रिशन लगा लो साइकिल पे, एक लगा लो टाइपराइटर पे, तो कितना परसेंट है जी 20% है, तो साइकिल हमारी कितने की है जी 400 की है, और 400 पर 20% लगाओ जी बाई डेप्रिसिएशन 20% यानी 80 रुपए, और बाई बैलेंस कैरेट डाउन 320 रुपए, 320 रुपए, 80 रुपए का। सर कल से थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे क्या? हाँ बेटे बिल्कुल बढ़ा दूंगा, बढ़ा दूंगा क्या, ये चैप्टर खत्म तो हो गया, जितना पार्ट इसमें 1 से लेके 5 तक का होमवर्क है वो आपको LMS पे भेज दिया जाएगा, डाउट होगा तो तुरंत ले लेना आप, ठीक है। जैसे अभी हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही वो वाले क्वेश्चन धीरे धीरे सोल्व हैं उसमें, तो आपको डाउट शायद ही आए, और फिर भी आए तो मैं हूं। तो कल से नया चैप्टर होगा बेटे, जितना करेंगे ना तसल्ली से करेंगे वाराणसी, है ना, जल्दबाजी कुछ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं बढ़ रहा हूं आगे। तो ये डेप्रिशन कहां जाएगा जी P&L में, भाई डेप्रिशिएशन कहां जाएगा P&L में, हाँ जी, यहां पर ट्रेडिंग प्रोफ्लोस ना होकर के क्या बनेगा बताओ, क्योंकि ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, इनकम्स एंड एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि बच्चों ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई ट्रेडिंग प्रोफ्लोस थोड़ा बनते हैं, क्या बनेंगे इनकम्स एंड एक्सपेंस अकाउंट। सर उसने तो लिखा था, कोई बात नहीं आप वहां पर लिख देना, थोड़ा सा ऊपर टू डेप्रिसिएशन, मैंने खर्चा डाल दिया टू डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल, टू डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल 80 रुपए, टू डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल 80 रुपए। धनबाद कह रहे हैं कि लेजर से ट्रेडिंग प्रोफ्लोस में पोस्टिंग करना कंफ्यूजिंग लगता है। बेटे देखो ये तो बेसिक की बात है, मैं आपको लेजर में पोस्टिंग करना सिखाऊं क्या, मैं तो फिर भी कोशिश कर रहा हूं ना धीरे धीरे, इसलिए अगर ऐसी कोई दिक्कत है ना धनबाद, तो इसका मतलब बेसिक में दिक्कत है बेटे, क्योंकि ट्रेडिंग परफॉर्मेंस हुआ या इनकम एक्सपेंस हुआ, हाँ तो काफी सारा लेजर है इसलिए, हाँ तो काफी सारे लेजर तो होंगे बेटे, है ना धनबाद, काफी सारे लेजर होंगे, काफी सारी मेहनत तो करनी है बेटे, आपने फील्ड भी तो ऐसा चुना है ना जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी होती है, तो इनसे क्यों घबराते हो, इसको एंजॉय करते हुए करो। मैं हर बार एक ही सिलेबस पढ़ा रहा होता हूं, और अगर मैं सोचूं नहीं यार इस बार तो कुछ नया हो, बेटे वही सिलेबस एंजॉयमेंट के तरीके से पढ़ना होता है, सोचो जरा, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार मैं करा चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है चीजों में, है ना, तो थोड़ा सा बेटे एंजॉयमेंट की तरफ आओ कि इसी चीज को एंजॉय करके पढ़ो, बस बेटे यही जीवन है आपको, अब आपको अकाउंट्स में जीना है। आइए तो डेप्रिशन लगाओ बेटे टाइपराइटर पर डेप्रिशिएशन बाई डेप्रिशिएशन 4800 रुपए, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 19,200 रुपए, 19,200 रुपए।
अच्छा बेसिक नहीं है, हाँ जी, तो 19,200 रुपए मैं कहां लिखूंगा बेटे, डेप्रिसिएशन पीएनएल में, यानी इनकम एंड एक्सपेंस में, 4800 का डेप्रिसिएशन ये आ गया जी, 4800 का डेप्रिसिएशन, 4800 का डेप्रिसिएशन किस पर है जी, टाइपराइटर्स पर 4800 का डेप्रिसिएशन। आगे चलो जी, आगे चलो, अब मैं एक काम और कर दूं क्या, साथ साथ में मैं टाइपराइटर और साइकिल लिख दूं यहां पर, लेजर का बैलेंस, एक तो क्या साइकिल है कितने की बची, 320 की, क्योंकि 400 माइनस 20 80, 300, अच्छा 320 की क्योंकि 80 का डेप्रिसिएशन था ना, और एक लिख दिया जी हमने टाइपराइटर, टाइपराइटर 19,200 का टाइपराइटर बेटे बैलेंस शीट में। नेक्स्ट एवीएल, एवीएल ने सेकंड पॉइंट बेटे, सेकंड पॉइंट हम आ गए अब सेकंड पॉइंट पर, एवीएल ने हेल्प की अपने किसी फ्रेंड की, सबसे काम का पॉइंट है ये, एबीएल ने अपने किसी फ्रेंड की हेल्प की, कैसे हेल्प की, उसका एक चेक लिया, उसको एंकेश कर दिया, उसका एक चेक लिया और उसको एंकेश करा दिया जी। जब चेक लिया और फिर उसको क्या दे दिया बेटे, कैश दे दिया, तो सारे बच्चे बताएंगे जब चेक लेते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, जब चेक लेते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का है जी, 1000 रुपए का कैश अकाउंट डेबिट टू फ्रेंड, फ्रेंड का नाम है क्या, फ्रेंड का नाम है क्या, नहीं है तो हम तो फ्रेंड लिखेंगे, टू फ्रेंड, सबसे पहले उससे चेक लिया बेटे, पेन रोक देना वरना इसमें पक्का डाउट पूछने वाले तुम लोग, सबसे पहले चेक लिया, ले लिया, अब उसको क्या कर दिया, कैश दे दिया, बताओ बेटे कहां लिखूंगा मैं, टू में लिखूंगा कि बाई में लिखूंगा, ये तो है चेक लिया, चेक लिया और फिर क्या है बेटे, उसको कैश दे दिया, बाई फ्रेंड, फ्रेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश भी यही है, बैंक भी यही है, कैश दिया 1000 का, उसको कैश दे दिया जी, चेक लिया और कैश दिया, और वो चेक कहां पे जमा कर दिया बेटे, बैंक में, जल्दी से बेटे, चलो बेटे बैंक में एक चेक जमा करवाओ जल्दी से, क्या एंट्री करोगे, एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ, बैंक डेबिट, बैंक डेबिट टू कैश, अब मैं एंट्री करूंगा ना, उलझोगे पक्का, और वो बच्चा उलझेगा जो बच्चा ध्यान नहीं देगा, हाँ भाई चेक इन हैंड भी हो सकता है वाराणसी, फिर अगली एंट्री में उलझ जाओगे, यही है हमारा कैश अकाउंट, जब चेक लिया तो मैंने बोला कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू फ्रेंड, और जब उसको क्या किया हमने, कैश दे दिया, तो मैंने कहा फ्रेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, अब वो चेक बैंक में जमा किया था हमने, तो बेटे एंट्री क्या होगी जल्दी से बताओ, चेक को बैंक में जमा किया, बाई बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपए, जमा किया, जमा किया, चेक को जमा किया, और ये बेटे कैश अकाउंट है और बैंक भी यही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, जमा किया, जमा किया, चेक को बैंक में जमा किया 1000 रुपए, अब बेटे बैंक में चेक को जमा कर दिया, अब अगला नंबर, अब हुआ क्या, डिसोनर हो गया चेक, देखो जरा, Which was dishonored?
अब जैसे इस बच्चे को अभी चेक दिया गया है, तो मान लिया ये चेक डिसोनर हो जाए, तो क्या होगा? चेक कैसे डिसोनर होगा? ये अपने बैंक वाले को बोलेंगे कि जाओ वहां पर से चेक कैश करा के हमारे खाते में जोड़ दो, तो उनका बैंकर हमारे बैंकर के पास जाएगा ना। ऐसे ही बेटे, ये जो फ्रेंड का चेक लेकर के इसने अपने बैंक को दिया, तो अपना बैंक इसका गया उस वाले फ्रेंड के बैंक के पास, और वहां जाके पता चला, क्या पता चला? कि पैसे है ही नहीं, बाउंस हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा? अब डिसोनर वाली एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी? वो चेक बैंक से आएगा और कहां जाएगा? हमारे पास आएगा, फिर हम किसके पास भेज देंगे? उस फ्रेंड के पास। सीधी बात, बाई फ्रेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, फ्रेंड अकाउंट डेबिट, यानी बेटे चेक आया बैंक से, मैं इसको रब करूंगा अभी, और फ्रेंड को दिया, वो चेक हमने अपने फ्रेंड को थमा दिया। अभी मुझे ये बताओ, किसी बच्चे को इस वाली एंट्री में कोई डाउट है क्या? बेटे प्लीज इनको नोट कर लेना, क्योंकि मैं ये चीजें रब करने वाला हूं, इस तरह की जो चीजें मैंने एक्स्ट्रा में लिख रखी हैं। बोलो बेटे, ओके एंड नोटेड, ताकि मैं आगे बढ़ूं। डाउट वाला एरिया इस क्वेश्चन में यही है। हाँ जी बेटे, सारे बच्चे लिखेंगे ओके एंड नोटेड, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि डाउट अगर आएगा तो इस क्वेश्चन में इन्हीं पॉइंट पे आएगा। ओके एंड नोटेड, बेटे आपका जवाब नहीं आ रहा है, तो दो में से एक बात है, या तो सेस हैंग है, या फिर आप जवाब नहीं दे रहे। आप बोलो गंगानगर व्हाइट शर्ट, अरे अच्छा आ गया जवाब। हाँ जी नेक्स्ट, अब मैं इसको इसमें से एक्स्ट्रा चीजें हटा रहा हूं। पटना का भी आ गया, श्री गंगानगर का भी आ गया, लक्ष्मी नगर, दिया तले अंधेरा, अब सारे बच्चे क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे। कौन से वाला लेजर? फ्रेंड का लेजर। इस वाली पोस्टिंग से फ्रेंड का लेजर बनाओ बेटे, फ्रेंड अकाउंट। गजब की बात है, अकाउंट्स वर्ल्ड में पहली बार आप ये लेजर देख रहे हो, हमने तो कभी देखा नहीं। कल को पता चला, सर कहने लगे एसी अकाउंट के बजाय फ्रेंड अकाउंट बनवा रहे हो, ऐसी बना दो, डॉग अकाउंट बना दो, काउ अकाउंट, इसी तरह से है ये। तो क्या हुआ, इनसे चेक आया था बाई कैश 1000, ठीक है, फिर इनको हमने कैश दे दिया था टू कैश 1000, फिर इनका चेक डिसोनर हो गया, तो फ्रेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक 1000। अब इनसे कितने पैसे ऐसे हैं जो मिलने थे, मिल चुके? सर चेक का बैलेंस बैंक अकाउंट में जाएगा ना? बिल्कुल जाएगा दोस्त, यही तो मैंने आपको बताया, चेक आया चला गया, फिर हमने अपने फ्रेंड को कैश दिया, फिर बैंक में चेक भेजा, तो बैंक डेबिट टू कैश, फ्रेंड अकाउंट में पोस्टिंग नहीं आ रही। फिर बैंक से चेक आया जो सीधा हमने बैंक के यहां पर भेज दिया, तो फ्रेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, फ्रेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब फ्रेंड से कितने रुपए हैं जो मिल गए? फ्रेंड से कितने रुपए हैं जो मिल गए? 400 रुपए मिल गए बाई कैश, 400 रुपए मिल गए।
इसका मतलब बाकी, बोलो बेटे बाकी का क्या होगा, बोलो बेटे बोलो बाकी का क्या होगा 600 का। कई बच्चे पता क्या करने वाले, इसको बैड डेट्स लिखने वाले हैं। ये गलती है, जब तक किसी के बारे में कुछ ना पता चले आप उसको बुरा नहीं बोल सकते, ये बैड डेट्स नहीं बोल सकते, ये है बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस ब्रोट डाउन। 600 रुपए का बैलेंस कैरिड डाउन हो गया जी, और ये वाली एंट्री कहां पोस्ट होगी, कैश अकाउंट में। मैं ये मान रहा हूं कि बच्चों ने ये फ्रेंड वाला अकाउंट बना लिया है, अगर नहीं बनाया है तो लिख के भेजो सेस पे, कैश अकाउंट डेबिट टू फ्रेंड अकाउंट। तो कैश के लेजर में ये वाली पोस्टिंग करने जा रहा हूं जो अभी तक नहीं हुई है, 400 वाली टू फ्रेंड अकाउंट। ये रहा अपना कैश बैंक अकाउंट, इसमें हमने लिख दिया इधर टू फ्रेंड अकाउंट 400 रुपए। मुझे ऐसा लगता है इसमें अभी भी डाउट होगा, क्योंकि ऐसा आज तक हुआ ही नहीं किसी भी बैच में कि बच्चे को पहली बारी में ढंग से समझ में आ गया हो। आ गया क्या बताओ तो सही, नहीं आया तो नहीं आया, लिखो सेस पे आ गया कि नहीं बेटे, प्लीज एक बार लिख दो, क्योंकि मेन पॉइंट यही है। फिर से सर मैं कह रहा था ना, फिर से आ जाओ जरा, तो आराम से समझना, जरा धीरे से समझो आराम से, जैसे यही है बेटे चेकबुक है आपके सामने। हाँ धन्यवाद नहीं आया ना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, धन्यवाद नहीं आया समझ में। एक बार आप आ जाओगे इधर, आ जाओ जरा सोचो। मान लिया ये मेरे फ्रेंड है, आ जाओ इधर आ जाओ। मान लिया बेटे सामने देखो, ये मेरे फ्रेंड है और ये मेरे को चेक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटे, चेक दे रहे हैं। ऊपर उठा के चेक दिखाओ कि चेक दे रहा हूं। इन्होंने क्या किया बेटे, मेरे को चेक दिया, मैंने इनसे क्या किया चेक ले लिया, और बदले में मैंने इनको क्या दे दिया बेटे, कैश दे दिया। मैंने इनको 1000 रुपए, गिनना मत, 1000 रुपए का कैश दे दिया और क्या ले लिया चेक। एक ट्रांजैक्शन नहीं है, दो ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले चेक को लेना, मैंने कहा लो भाई कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक को जब हम रिसीव करते हैं तो बोलते हैं कैश, और दूसरी ट्रांजैक्शन इनको कैश दे दिया, तो फ्रेंड अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट, कैश अकाउंट डेबिट टू फ्रेंड, मैंने इनसे क्या लिया बेटे चेक लिया, और क्या दिया मैंने इनको, यहां पर देखो फ्रेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने इनको कैश दिया। बोलो यहां तक ओके है कि नहीं। मैं इसको बोलूंगा नंबर वन ट्रांजैक्शन, नंबर वन ट्रांजैक्शन, मैंने इसको बोला बेटे नंबर वन ट्रांजैक्शन, और चेक लेने के बदले मैंने इनको कैश दे दिया। ये है बेटे नंबर टू ट्रांजैक्शन। क्या ये बात ओके है, पहले इन दो का ओके करो, वाराणसी और धनबाद, पहले इन दो का ओके करो। चेक लिया, चेक अकाउंट डेबिट, यानी बेटे चेक को क्या बोलते हैं, कैश ही तो बोलते हैं ना, सीए सीपीटी में, सीए फाउंडेशन में यही तो आपने पढ़ा है। पहले इन दो ट्रांजैक्शन का ओके करो, दोनों का ओके आ गया, तीनों का ओके आ गया। अच्छा धनबाद तुम ना, तुम्हारा ओके नहीं आया, तुम्हें भी डाउट था, जल्दी बोलो। पहले चेक लिया, चेक को रिसीव करने की एंट्री यही तो पड़ी थी हमने, और फिर हमने इनको कैश दिया, ये दो ट्रांजैक्शन। धन्यवाद, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है बेटे, बाकी सेंटर का तो ओके है। अभी रुको ये खड़े रहो। बोलो बेटे धन्यवाद, आपका जवाब नहीं आ रहा है तो मैं ये मान रहा हूं कि सेस आपका हैंग है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने फ्रेंड को बोला तुम उधर मुंह करो और घर जाओ बेटे, मैंने इनको भेज दिया। अब मैं कहां गया, मैं गया अपने बैंक, भागा भागा मैं अपने बैंक में गया, और मैं गया बैंक में चेक दे करके आया, यानी बेटे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक कैश,
ये बन गई हमारी तीसरी ट्रांजैक्शन, चेक को मैंने जमा कराया, चेक को मैंने जमा कराया, बैंक में जमा कराया। बोलो बेटे सारे बच्चे, ये थर्ड वाली ट्रांजैक्शन ओके है कि नहीं? जब मैं बैंक गया भागता भागता और चेक दे करके आ गया कि जाओ, मैंने उसको कैश दे दिया, जाके उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में डाल दो। बोलो बेटे मुझे सेस पे जवाब चाहिए सारे सेंटर का, जिनको समझ में आ गया उनका भी, और जिनको नहीं आया तो उनका तो जरूर चाहिए। 1 2 3 ओके, चलिए जी ओके है। अब आते हैं वापस, अब मैं गया बैंक, आ जाना जरा जूम आउट करो, थोड़ा सा जूम आउट कर दो बस, अब आ जाना जब मैं कहूं। हाँ, अब हुआ क्या बेटे, मैं बैंक गया और बैंक वालों ने क्या कहा, आ जाओ इधर खड़े जाओ, बैंक वाले ने कहा, ये कहा कि ये चेक तू कहां कहां से लाया, यहां खड़े जाओ कैमरे में दिखो, ये चेक कहां से लाया बेटे, चेक आया मेरे पास वापस वापस वापस, और मैंने कहा लो पकड़ो, सीधा मैंने किसको दे दिया, अपने फ्रेंड को वापस दे दिया। बोलो बेटे दो चीज यहां पर एक साथ है, लेकिन ट्रांजैक्शन एक है, बैंक देने वाला है क्रेडिट द गिवर, बैंक देने वाला है टू बैंक क्रेडिट द गिवर, और फ्रेंड मेरा रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, ऊपर दिखाओ ना इसको, ये फ्रेंड है बेटे जिसने चेक रिसीव किया, मैंने इसका चेक बैंक से ला करके वापस दे दिया, क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर ओके। अब मैंने क्या किया, नंबर फोर ट्रांजैक्शन ये रहा, ये रहा ध्यान से ठीक है, हाँ जी नंबर फोर ट्रांजैक्शन, मैंने अपने फ्रेंड को चेक दे दिया जी, मैंने अपने फ्रेंड को चेक दे दिया जी, ये बैंक में जमा कराया था ना, चेक मेरे पास वापस आया और मैंने बैंक को दे दिया, ये दो बातें इकट्ठी हो गई, नंबर फोर नंबर फोर, चेक आया फ्रेंड को दिया, नंबर फोर नंबर फोर, चेक आया फ्रेंड को दिया। बोलो जी क्या यहां तक ओके है, नंबर फोर नंबर फोर, चेक आया और फ्रेंड को दिया, मैं इसीलिए कहता हूं सॉल्यूशन पे मत जाओ ठीक है। आइए जी, अब फ्रेंड से कितने रुपए आए, आ गए बेटे 400 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फ्रेंड 400 रुपए। अब मुझे जवाब जरूर चाहिए और सारे सेंटर का जवाब चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बेटे जल्दी से सारे सेंटर, जिनको समझ में आया वो भी, जिसको नहीं समझ में आ रहा था वो भी, मुझे जल्दी से जवाब देंगे ओके एंड नोटेड, तभी बात आगे बढ़ेगी। आ गया जी श्री गंगानगर का जवाब तो आने लग रहा है, बाकी सेंटर बताएं, धनबाद का भी ओके एंड नोटेड। बेटे धनबाद मुझे आपका जवाब जरूर चाहिए था, क्योंकि आपका ये डाउट था, ये धनबाद का सेंटर थोड़ा ना, ये तो श्री गंगानगर वाले ने टाइप किया लेकिन आ रहा है धनबाद के नाम से, ये क्या चक्कर है। चलिए जी मैं इसको रब कर देता हूं, वो बच्चे उलझ गए होंगे जो इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ सॉल्यूशन देख रहे होंगे, वो ढूंढ रहे होंगे ये 1,000 फालतू क्यों आ गए इस अकाउंट में। बेटे टीपोगे तो फंसोगे, समझोगे तो कभी नहीं रुकोगे, रटना बंद और समझना शुरू। चलो जी अब 400 रुपए कैश आ गया जी, तो हमने यहां पर डाल दिया जी, आगे बढ़ते हैं जी। अगला नंबर है, हाँ 400 रुपए का बैलेंस फ्रेंड का आ गया जी, 400 रुपए का रिसीव हो गया, 600 रुपए का बैलेंस बच गया जी, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगली ट्रांजैक्शन क्या है, एवीएल हैज टेकन 600 रुपए पर मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस इन एडिशन टू सैलरी। एवीएल ने 600 रुपए पर मंथ के हिसाब से ड्रॉइंग्स और करे थे, तो 600 रुपए पर मंथ के हिसाब से साल भर के ड्रॉइंग्स कितने रुपए के होते हैं, 7200 रुपए, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख लो, टू कैश लिख लो 7200 रुपए, 600 रुपए पर मंथ इंटू 12। बेटे बाद में ये ना हो जाए कि बच्चा ये कहे कि 7200 कैसे आ गए, 600 रुपए हर महीने के उसने क्या किए,
ड्रॉइंग्स किए, पॉइंट नंबर थर्ड 600 रुपए पर मंथ के ड्रॉइंग्स इंटू 12 सैलरी के एडिशनल, तो ठीक है। फिर बैंक में से क्या हुआ, ये पैसे निकल गए, बैंक में से ये पैसे निकल गए बाई ड्रॉइंग्स 7200 रुपए, 7200 अगला नंबर बच्चों, पॉइंट नंबर फोर, मैं ये मान रहा हूं कि बच्चों ने बात समझ भी ली है, नोट भी कर ली है। पॉइंट नंबर फोर, एवीएल रन्स द इंस्टीट्यूट फ्रॉम हिज बुक्स फ्रॉम हिज हाउस, एवीएल रन करता है इंस्टीट्यूट अपने घर से, अच्छा, फॉर विच ही पे 600 रुपीज पर मंथ रेंट, जिसके लिए वो क्या करता है, वो 600 रुपए पर मंथ रेंट पे करता है जी, 600 रुपए पर मंथ रेंट पे करता है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, तेरा और आगे पढ़ते हैं, इसने कुछ और बात भाई कही, कह रहा 50% तो रिजनेबली अलोकेटेड है कि 50% एरिया में वो क्या करता है, खुद रहता है, लिविंग करता है, खुद रहता है, और बाकी का 50% है जो वो बिजनेस में यूज करता है। जरा आराम से सोचना है, एक घर है उसके दो हिस्से, 50% 50%, आधे 50% में वो खुद रहता है, आधे 50% में वो खुद उसने रहने का हिसाब किताब कर रखा है, उसमें अपना रेजिडेंशियल का यूज करता है, और बाकी के 50% में उसने दुकान खोल रखी है, ये इंस्टीट्यूट खोल रखा है, तो क्या सारा का सारा रेंट दुकान में डालना सही है क्या, बोलो बेटे, नहीं है ना। तो ये जो रेंट है, इस रेंट का 50% ही कायदे से रेंट होना चाहिए, और बाकी का 50% ड्रॉइंग्स में काउंट होना चाहिए। तो दियारा ध्यान से, ये जो इसने रेंट दिया है 600 रुपए पर मंथ, इसमें से 300 रुपए पर मंथ तो जाएगा रेंट में, खर्चे में, जो पीएनएल का पार्ट बनेगा, खर्चों का पार्ट बनेगा, और 50% यानी कि 300 रुपए पर मंथ 3600 रुपए जाएगा कहां पर, ड्रॉइंग्स में। तो पहले मुझे लिखने दे और फिर आप लिखेंगे। मैंने यहां पर एक और ड्रॉइंग्स लिख दिए, बेटे बाद में उलझ मत जाना ये कौन से वाले ड्रॉइंग्स हैं, ये तो है पर्सनल एक्सपेंसेस और ये है रेंट वाले एक्सपेंसेस। 3600 रुपए के खर्चे, 300 रुपए पर मंथ किराया, 50% ड्रॉइंग्स में आएगा, और बाकी का 50% कहां जाएगा, रेंट एक्सपेंस में जाएगा, 3600 रुपए जो पीएनएल में जाकर के बैठ जाएंगे। ये जो ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहले मैं इसकी पोस्टिंग कर देता हूं। लो भाई लो, टू बैंक कितना, 3600 रुपए, और बाकी जो रेंट है, रेंट उसका लेजर मुझे बनाना होगा अभी। मैंने यहां पर बना दिया जी रेंट वाला लेजर, रेंट वाला लेजर, आधा तो मैंने वहां दिखा दिया, आधा मैं यहां दिखा रहा हूं, 50% टू बैंक 3600, आधा मैंने यहां दिखा दिया जी ड्रॉइंग्स में, और आधा मैंने यहां दिखा दिया जी रेंट में। तो मैंने माना इतनी बात ओके है, आगे बढ़ो। हाँ जी, द फॉलोइंग आर आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड 1992, 31 दिसंबर 1992, क्लोजिंग के टाइम पर, ईयर एंड के टाइम पर ये चीजें हैं जो कि आउटस्टैंडिंग थी जी, वाली चीजें, अच्छा आउटस्टैंडिंग थी, हाँ बेटे। अब वो आउटस्टैंडिंग क्या क्या थी बेटा, एक तो है फीस रिसीवेबल, जो इनकम है वो रिसीवेबल है, फीस इनकम रिसीवेबल, 2200 रुपए की फीस रिसीवेबल है, सीधा सीधा बोलूं एक्रूड इनकम, एक और बात बोलूं अर्न बट नॉट रिसीव इनकम,
एक्रूड इनकम, ठीक है ना। तो फीस इनकम कौन से वाली जी, कौन से वाली फीस इनकम, बस फीस रिसीवेबल है बेटे। क्या एग्जामिनेशन फीस का पार्ट होगी ये जरा सोच के देखो जरा, क्या ये एग्जामिनेशन फीस का पार्ट होगी? नहीं, एग्जाम एग्जाम फीस जमा करते हैं तब एग्जाम देने देते हैं ना, इसी का अच्छा। तो ध्यान से, एग्जामिनेशन फीस का पार्ट ये नहीं हो सकती। बाई एक्रूड मंथली फीस, मैं इसका नाम एक्रूड फीस रख रहा हूं, कितने रुपए रह रही है जी? 2200 रुपए, 2200 रुपए। तो पता है एक और लेजर खुल जाएगा, वो लेजर कौन सा होगा जी? एल, इसका नाम होगा एक्रूड फीस इनकम, और यहां पर पोस्ट ही होंगी टू टू मंथली फीस इनकम 2200 रुपए, टू मंथली फीस इनकम 2200 रुपए। मैं रुक गया जी, रुक गया, हो सकता है किसी को कोई डाउट हो। एक्रूड फीस इनकम अकाउंट डेबिट टू मंथली फीस इनकम, एक्रूड फीस इनकम अकाउंट डेबिट टू मंथली फीस इनकम। अब मैं चल रहा हूं आगे, अगला पॉइंट, एक्सपेंसेस पेबल। बेटे 1000 रुपए के खर्चे आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंसेस का लेजर कहां पर है? एक्सपेंसेस का लेजर ये रहा, धन्यवाद। बेटे डाउट तब होगा इतने सारे लेजर में जब आप जर्नल एंट्री की पोस्टिंग साथ साथ नहीं कर रहे होंगे, दो में से एक बात होगी, या तो आपके बेसिक में दिक्कत है, या फिर हाँ हमारी क्लास फास्ट हो रही है, हमारी क्लास फास्ट हो रही है ऐसा मैं मान नहीं सकता, क्योंकि कई बच्चे तो अकाउंट्स की क्लास में नींद पूरी कर रहे होते हैं, कहते हैं भाई चल आगे, चल चल चल, और मैं चल नहीं रहा होता, मुझे पता है, लेकिन मुझे इतना ही पता है बेटे बहुत जरूरत है वहां पर स्पीड कम करने की। तो अगर डाउट आएगा बेटे तो मुझे साथ के साथ बस बता देना। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग है, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने रुपए की? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बेटे 1000 रुपए के। तो एक और लेजर खुल जाएगा, एक और लेजर खुल जाएगा, और थोड़ा जूम आउट फिर जूम इन, एक और लेजर खुल जाएगा, आई जे के एल एंड देन एम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और यहां पर आ गए 2200 एक्सपेंसेस, ये हैं जी बेटे 1000 रुपए के सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 2200 सन्ड्री एक्सपेंस। तो मैंने माना कि बच्चों ने ये बात नोट कर ली है अच्छे से और उनको बात समझ में भी आ गई है। चलो जी आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है बेटे सैलरी टू सेल्फ नवंबर और दिसंबर, वो आउटस्टैंडिंग है। बेटे कभी आपने सुना है ड्रॉइंग्स आउटस्टैंडिंग, करने से रह गए, मैं बस ड्रॉइंग्स करने ही वाला था। तो ध्यान रखना इसकी कोई भी पोस्टिंग नहीं होगी, क्या कहा मैंने, इसकी पोस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि यहां पर सैलरी जो है इंडिविजुअल खुद अपने आप को दे रहा है, और जब अपने आप को सैलरी दे रहा है तो किसका पार्ट है? ड्रॉइंग्स का पार्ट है, इसलिए यहां पर सैलरी आउटस्टैंडिंग की पोस्टिंग नहीं होगी। आगे चलो, पॉइंट नंबर डी, स्टॉक बच रहा है जी क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 200 रुपए का। लो जी स्टॉक की पोस्टिंग कर दो, एक तो बैलेंस शीट में स्टेशनरी स्टॉक 200 रुपए, और ट्रेडिंग भी यही होता है, पीएनएल भी यही, दो तरीके, या तो स्टेशनरी के खर्चे में से हटा दो या बेटे इधर लिख दो बाई स्टॉक 200 रुपए। थोड़ा सा ऊपर रखना है, ये भी लिखे ना ताकि पता रहे कौन सा लेजर है। यस, बाई स्टॉक स्टेशनरी का स्टॉक
स्टेशनरी स्टॉक. अगला पॉइंट है बच्चों यहां पर पॉइंट नंबर 8. लोन फ्रॉम बैंक इज रिपेबल एट 500 रुपीज पर मंथ. बेटे 500 रुपए महीने के हिसाब से रेंट जो है ना वो रिपेबल है. अच्छा ठीक है. अब 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 12 महीने में कितने जाएंगे जी? 6000 फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ जुलाई. बस यहां पर एक काम की बात है कि ये ना बिगिनिंग ऑफ जुलाई से पेबल है. तो पहली बात यहां पर 500 रुपए पर मंथ जो पे हो रहा है लोन. फिर इंटरेस्ट की भी तो बात अलग होगी ना. इंटरेस्ट इज पेबल 12% पर एनम इन एडिशन टू 500 रुपए. पहले तो जी आराम से. हाँ जी ये है बेटे लोन का हिसाब किताब. लोन का हिसाब किताब जरा ध्यान देना सर. इससे नीचे करना कहां से कहां तक है? जनवरी से लेकर के दिसंबर 31 तक है. और ईयर कौन सा है जी? ये अपना ईयर है 1992. ये ईयर है बेटे 1992. लोन कितने का है जी? स्टार्टिंग में लोन है बेटा आपका, हमने स्टार्टिंग में लिया था ना बच्चों, 20,000 का लोन यहां से चला. और 500 रुपए कब से स्टार्ट हुए? 500 रुपए कब से स्टार्ट हुए? 500 रुपए का पेमेंट स्टार्ट हुआ प्रिंसिपल पार्ट जुलाई. जुलाई से सबसे पहला पेमेंट हुआ जुलाई 1st को 500 रुपए पे हुए. तो मेरा एक क्वेश्चन है, देखे कौन सा बच्चा मुझे बताएगा, यहां से लेकर यहां तक कितने महीने का इंटरेस्ट और कितने के लोन पे होगा? यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जुलाई 1, ये बेटे जुलाई 1 को पेमेंट हुआ ना बच्चों, तो मैं कह सकता हूं ये जून 30 तक 20,000 का उधार रहा. तो 20,000 का उधार रहा तो मैं आपसे पूछूं अगर इंटरेस्ट कितना बना 20,000 पर 12% के हिसाब से आप इंटरेस्ट निकालोगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो 20,000 इंटू 12% इंटू 6/12 कितना हो गया बेटे? 1200 रुपए. यहां से लेकर यहां तक का इंटरेस्ट कितना हो गया? 1200. मैंने आपको एक सॉल्यूशन में वर्किंग नोट दे रखा है जहां पर अलग अलग इंटरेस्ट निकाल करके दिखा रखा है. जुलाई में कितने पर निकलेगा जी इंटरेस्ट? जुलाई, सिर्फ जुलाई की बात करूं अगर मैं, तो जुलाई पर कितने पर निकलेगा जी इंटरेस्ट? 500 रुपए जा चुके होंगे यहां पर प्रिंसिपल पार्ट के, तो जुलाई में इंटरेस्ट निकलेगा बेटे 19,500 पर 12% इंटू 1/12. जरा निकालो जल्दी से, 19,500 इंटू 12% इंटू 1/12, 195 रुपए यहां का इंटरेस्ट आया बेटे. बच्चों ध्यान से, मैंने आपको एक वर्किंग नोट बना करके दे रखा है, वहां से वर्किंग देखना. फिर अगस्त में, अगस्त में क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट फिर से यहां चला गया, इंटरेस्ट तो गया सो गया, प्रिंसिपल पार्ट फिर गया यहां पे 500 रुपए. तो अब कितने रुपए का इंटरेस्ट बैठेगा जी यहां पर? 19,000. आई होप कि आपके पास सॉल्यूशन में वर्किंग नोट है. देखो तो जरा है कि नहीं है. देखें देखें कहां है भाई क्वेश्चन, कहां गया? ये रहा, है आपके पास वर्किंग नोट है. तो देखो जरा, फिर इंटरेस्ट ऐसे ही निकलेगा बेटे, सारे उसमें निकलता चला जाएगा. किसी को इंटरेस्ट में कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ, मैं मानूंगा वरना कि आपको इंटरेस्ट ओके है. जल्दी से बताओ बच्चों कि इंटरेस्ट में कोई डाउट है क्या? मैं मान लूंगा कि आप इंटरेस्ट निकाल लोगे आराम से. ओके है, डन. तो मैं सीधा सीधा अब काम की बात पे आ रहा हूं जी. तो 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से जब लोन का पेमेंट हुआ प्रिंसिपल का, तो ये रहा मेरा लोन अकाउंट. कहां है जी लोन अकाउंट? एक तो इंटरेस्ट अकाउंट बनाता हूं, एक तो बेटे इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, जो साल भर का पेमेंट हुआ वो हुआ जी 2295 का.
2295 रुपए का इंटरेस्ट गया जी, और ये इंटरेस्ट चला गया जी पीएनएल में, बाई पीएनएल 2295। मुझे पता है आप सब थक गए होंगे, पर कोई बात नहीं, बस ये लास्ट है। 1200 का क्या यूज है, 1200 का क्या यूज है, 1200 कौन सा आ गया, 1200 कौन सा आ गया भाई, अच्छे से लिख के बताओ सेस पे। हाँ जी, तो ये इंटरेस्ट कहाँ चला गया बेटे, पीएनएल में। अब लोन की मैं बात करूं, लोन की जुलाई से पेमेंट होना चालू हुआ, तो अच्छा एक बार मैं इसकी इंटरेस्ट की एंट्री कर दूं यहां पर, बाई इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2295। 1200 तो मैंने 6 महीने का निकाला था धनबाद, उसके बाद में और भी है, जरा वर्किंग नोट नंबर सेकंड पे आओ धनबाद, ठीक है धनबाद, एक बार वर्किंग नोट नंबर सेकंड चेक करो, बैंक के लोन का इंटरेस्ट है बेटे वो, और फिर भी डाउट है तो सेस पे लिखो। तो बैंक लोन मैंने भेज दिया जी, अब प्रिंसिपल पार्ट भी तो पेमेंट हुआ ना, बाई बैंक लोन जुलाई से लेकर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बेटे 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 6 महीने का प्रिंसिपल पार्ट भी पे हुआ। देखो जरा, 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 6 महीने तक प्रिंसिपल भी पेमेंट हुआ, 500 × 6 3000, तो ये कहां जाएगा, बैंक लोन में, बैंक लोन में, टू बैंक 3000 रुपए, 3000 रुपए टू बैंक। आई नो कि लेंदी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, इसीलिए इनके क्वेश्चंस को एलएमएस पे डलवा रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि क्लास में इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस को समझते हुए समझाना, एक एक पॉइंट पे वर्क करना बेटे, वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है और फिर उसमें इरिटेशन होती है, आई नो दैट, ठीक है, इसीलिए मैंने 1 से लेकर 5 तक के, मैं 6 और 7 को भी डलवा रहा हूं, डोंट वरी एलएमएस पे। नाउ कम टू द पॉइंट, इसके बाद बात आगे बढ़ी जी, बैंक लोन हो गया, हाँ जी हो गया, और क्या पॉइंट रह गया जी हमारा, और हमारा कोई पॉइंट नहीं रहा जी, अब सारे के सारे लेजर पैक करने हैं जी एक तरफ से, आइए जी एक एक लेजर पैक करते हैं। सबसे पहले ये इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, सबसे पहले ये इंटरेस्ट ऑन लोन वाला क्या होगा जी, ये पीएनएल में जाएगा जी 2295 रुपए। देखे तो जरा, मैंने इसको पीएनएल में भेज दिया क्या जी, ये रहा टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2295 रुपए। बेटे मेरे साथ साथ लिखते रहना, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2295 रुपए। अब मैं बढ़ा अगले लेजर की तरफ, ये है बेटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला लेजर। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला लेजर जो है, इसका क्या है, यहां पर बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस सीडी बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। 1000 रुपए कहां जाएंगे जी, बैलेंस शीट में जाएंगे, 1000 रुपए बेटे बैलेंस शीट में जा रहे हैं, लायबिलिटी साइड में, ये मैंने यहां लिख दिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1000 रुपए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1000 रुपए। और अगला लेजर कौन सा है जी, ये वाला एक्रूड इनकम का बाई बैलेंस कैरिड डाउन 2200 और बेटे टू बैलेंस ब्रोट डाउन 2200 रुपए। तो ये वाला लेजर भी कहां गया बेटे, चला गया बैलेंस शीट में, असेट साइड में, एक्रूड फीस इनकम बेटा 2200 रुपए आपके सामने देखो चला गया असेट साइड में। मैं ये मान रहा हूं कि यहां तक सब ओके है और सब नोटेड है, धीरे धीरे चलोगे
तो सारी बातें समझ में आएंगी. सेटेलाइट में बस एक ही रूल है बेटे, धीरे चलना सबसे अच्छा रहता है. ये रेंट है, ये रेंट है जो नॉमिनल अकाउंट है. बताओ तो जरा बच्चों ये कहाँ जाएगा, बोलो कहाँ पर. हाँ मुझे पता है तुम्हारी मन की बात, तुम बोल रहे हो सर ये पीएनएल में जाएगा, यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंस है. तो पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो ये पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, रेंट में लेकर के चला. बातें नहीं धन, बातें नहीं श्रीगंगानगर, टू रेंट 3600 रुपए. अगला नंबर बेटे, आगे चलो आगे चलो. अगला नंबर है ये वाला, फ्रेंड. फ्रेंड को पेमेंट कर रखा था, कुछ बैलेंस बच रहा था, कितना 600 रुपए. 600 रुपए का डेबिट बैलेंस कहां पे आएगा बेटे, असेट साइड में. और ये मैंने लिख दिया जी यहां पर. क्या हुआ धनबाद, अरे श्रीगंगानगर अभी खत्म नहीं हुआ बेटे. फ्रेंड कितना 600 रुपए. हाँ ब्लैक वाले पर, तो ब्लैक जैकेट वाले पे तो तुमने सारी जिम्मेदारी सौंप रखी है, अब उसी जिम्मेदार व्यक्ति को तुमने पीछे भेज दिया है. हाँ 600 रुपए कहां पे आ गए, असेट साइड में. और मैं चला इधर, साइकिल. साइकिल, साइकिल का डेबिट बैलेंस कहां पे आएगा जी, असेट साइड में 320 रुपए. ये हमने लिख दिया जी, पहले लिख रखा है बच्चों. आगे चलो, एग्जामिनेशन फीस कहां जाएगी जी, पीएनएल. पीएनएल मतलब यहां पर इनकम अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट. ये है 4200 रुपए और सीधा गए यहां पर टू पीएनएल 4200 रुपए. तो पीएनएल में कहां जाएगी जी, बाई साइड में 4200 रुपए. बाई फीस इनकम, कौन से वाली, एग्जामिनेशन फीस इनकम 4200 रुपए. ना गंगानगर, ना गंदी बात, श्रीगंगानगर हो गया आपका, हो गया ठीक है. मंथली फीस, मंथली फीस 32700 प्लस 100 रुपए प्लस 2200, 35000 रुपए. 35000 रुपए कहां जाएगा जी, पीएनएल बेटे 35000 रुपए. तो पीएनएल में किधर जाएगा, ये क्रेडिट साइड में बाई. आई होप कि सारे बच्चे साथ साथ कर रहे हैं. 35000 रुपए, 35000 रुपए बाई मंथली फीस इनकम. और मैं बढ़ा आगे, अगला नंबर, अगला लेजर, अगला लेजर है जी ड्रॉइंग्स वाला. तो ड्रॉइंग्स कितना है जी टोटल, ड्रॉइंग्स है 4000 प्लस 7200 प्लस 3600, 14800 रुपए. बाई बैलेंस कैरी डाउन, तो ये 14800 कहां गया जी, बैलेंस शीट में, कैपिटल में से घट जाएगा. ये रही जी कैपिटल, कहां मैंने लिख दिया, भी लिखूंगा यहां पे आके. इसमें से घट गया जी ड्रॉइंग्स 14800 रुपए. बेटे लेंदी क्वेश्चन में ऐसा ही महसूस होता है जैसा आपको महसूस हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन मेहनत इसी को बोलते हैं. मैं बढ़ा अब आगे, कैपिटल. कैपिटल कितने की है, 5000.
टू बैलेंस कैरेट डाउन बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 5,000 और ये कैपिटल भेज दो कहां पर, लायबिलिटी में, पांच हजार। अगला नंबर, अगले लेजर की पोस्टिंग बेटे, अगला लेजर कौन सा है बच्चों, बैंक लोन, इसको भी भेजो। बैंक लोन 20,000 में से घट चुका है 3,000 का, तो बच कितने का गया, 17,000 का। धनबाद कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, लक्ष्मी नगर, वाराणसी, पटना, ठीक है श्रीगंगानगर, आज दिल तोड़ दिया तुमने। 17,000 गया बैलेंस बैंक लोन का यहां पर। बैंक लोन 17,000 आगे चलो। अगला नंबर क्या है जी लेजर का, अगला नंबर है बेटे टाइपराइटर। टाइपराइटर का बैलेंस कितने का है, 19,200 का। तो ये कहां जाएगा जी, हमारी असेट साइड में जाएगा जी। टाइपराइटर 19,200 रुपए का। और बेटे अगला नंबर सेंट्री एक्सपेंसेस, इधर करना सर कैमरा, 9,400 रुपए बेटे। ये 9,400 कहां जाएगा, P&L में 9,400 रुपए। हो चुका है टाइपराइटर का एंट्री, ओके 9,400 गया जी P&L में, टू सेंट्री एक्सपेंसेस 9,400 रुपए। फिर बेटे अगला लेजर क्या है, बस कैश बैंक रह रहा है। इसका बैलेंस देखो बेटे कितने का बचा, इसका बैलेंस बचा 5,000 प्लस 20,000 प्लस 32,700 प्लस। टाइपराइटर की दो बार एंट्री होगी क्या, एक बच्चा बता रहा है कि हाँ, अरे वाह वेरी गुड, अच्छा वो आपने बता दिया, शाबाश धन्यवाद, वेरी गुड, ये ऑलरेडी लिख चुका था मैं। अच्छा इसका टोटल करो, बैलेंस निकालो, 5,000 प्लस 20,000 प्लस 32,700 प्लस 4,200 प्लस 1,000 प्लस फिर से 1,000 और प्लस 400, 64,300 रुपए। 64,300 रुपए, और इसमें से घटा दो जी 24,000, 8,400, 4,000, 300, 1,000, 1,000, 1,000, 7,200, फिर 3,600, फिर 2,295, फिर 3,000, ये बच गया जी 4,905 रुपए बाई बैलेंस कैरेट डाउन। 64,300 में से हमने ये घटा दिया बेटे, ये बैलेंस बचा, ठीक है मैं समझा दूंगा अभी, है ना। तो 4,905 को हमने कहां लिख दिया बेटे, बैलेंस शीट में, असेट साइड में, कैश और बैंक 4,905 रुपए, कैश और बैंक बेटे 4,905 रुपए। जरा अब देखो, और तो कोई लेजर रहा नहीं, इसको फटाफट से पैक करते हैं आइए। हाँ वाराणसी टाइपराइटर दो बार हो गया था, मुझे धनबाद ने बता दिया था, हमने हटा दिया वो, ठीक है वाराणसी, वो पहले धनबाद ने बता दिया था दोस्त। आइए जी 35,000 प्लस 4,200, 35,000 प्लस 4,200 प्लस 200, 39,400 रुपए,
39,400 और इसमें से घट गया जो वो बच गया नेट प्रॉफिट. घटाओ जी इसमें से क्या क्या घटेगा जी, घटाओ जी. माइनस अस्सी रुपए माइनस 4800 रुपए माइनस 2295 रुपए माइनस 3600 रुपए माइनस 9400 रुपए ये आ गया जी 19,225 रुपए. और ये नेट प्रॉफिट जुड़ गया जी कहां पर, कैपिटल में 19,225 रुपए प्लस 5,000 माइनस 14,800 आ गया बेटे क्या 9,425 रुपए प्लस 1,000 प्लस 17,000 27,425 रुपए. इधर का टोटल करूं 320 प्लस 19,200 प्लस 200 प्लस 2,200 प्लस 600 प्लस 4,905 रुपए टोटल 27,425 रुपए. बेटे बैलेंस शीट टैली हो गई और अब मैं रहा हूं रुक, एक चेयर दे देना. अब मैं रहा हूं रुक, किसी बच्चे को जो जो डाउट है वो डाउट पूछ ले बच्चे. आज की क्लास तो हमारी यहीं पे ओवर होने वाली है. अब इस वाले क्वेश्चन में बच्चा कुछ डाउट पूछने लग रहा था, मैं जरा उसकी बात कर लूं. वो जो बच्चा डाउट पूछने वाला था, धन्यवाद पूछ रहा था शायद. ये वहां तक का दिखना चाहिए. ऊपर ठीक है. हाँ बेटे अब पूछो बच्चों जो डाउट पूछने वाले थे. रुक गया जी, मैं रुक गया. इंटरेस्ट ऑन लोन की पूछी थी एक बार किसने, धनबाद ने. पहले मुझे बताओ ओके एंड नोटेड कोई रह तो नहीं गया, बोलो बच्चों ओके एंड नोटेड. और अब मैं बस एक इंटरेस्ट वाली बात कंप्लीट कर देता हूं. एक बच्चे ने जो डाउट पूछा वो इंटरेस्ट वाला डाउट पूछा है. देखो भाई, देखो धनबाद, अब इंटरेस्ट वाली बात कर लेते हैं. इंटरेस्ट वाली बात करें अगर हम तो आइए जरा एक बार सर इतना जूम करना इससे ऊपर और इसका स्टील लगवाना इधर थोड़ा सा नीचे. ये 30 नंबर है ना, बस यस नहीं बस इसी को स्टील लगवाओ. कल नया चैप्टर होगा बेटे एज पर डिसाइडेड. जरा देखो एक बार सामने धनबाद, तुमने डाउट पूछा था ना 20,000 का लोन है जो जनवरी से लेकर जून तक चला धनबाद. तो 20,000 का जो लोन है जनवरी से लेके जून तक चला तो 20,000 पर 12% के हिसाब से जनवरी से लेके जून मतलब कि 6 महीने का इंटरेस्ट. जनवरी से लेकर जून मतलब बेटे 6 महीने का इंटरेस्ट कितने रुपए बैठा, 1200 रुपए. फिर जब 500 रुपए प्रिंसिपल के चले गए थे तो बेटे उसके बाद में क्या हुआ, फिर 19,500 का लोन बचा और फिर अगले महीने तक तो 19,500 रहे ना. तो 19,500 के लोन पर एक महीने का इंटरेस्ट 12% के हिसाब से 195. कैलकुलेटर चलाते रहो साथ साथ में धनबाद बेटे, कैलकुलेटर चलाते रहना प्लीज ताकि साथ साथ में आपका डाउट क्लियर हो जाए. फिर 500 का प्रिंसिपल फिर से गया बेटे 19,000 पर, फिर से बचे हुए लोन मतलब 19,000 पर हमारा एक और इंटरेस्ट, एक और महीने का इंटरेस्ट. फिर 500 रुपए प्रिंसिपल कम और फिर से हमारा कितना इंटरेस्ट, बचे हुए पर इंटरेस्ट. ऐसे बेटे बार बार 500 रुपए कम होते जा रहे हैं और लोन का प्रिंसिपल का अमाउंट घटता जा रहा है.
ठीक है ना धनबाद। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर कि बचे हुए प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट पे हो रहा है, समझे कि नहीं? पहले ये बताओ क्यों धनबाद, पहले ये बताओ कि समझे कि नहीं? समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब आप ये बताओ जल्दी से इसमें और कौन से पॉइंट में डाउट है? और कौन से पॉइंट में डाउट है बेटे? इंटरेस्ट, अच्छा 3000 रुपए कैसे आया? 3000 रुपए कैसे आया बेटे धनबाद? देखो हर महीने 500-500 रुपए का प्रिंसिपल जा रहा है ना बेटा, तो 500-500 रुपए के हिसाब से अगर देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 6 महीने तक कितने रुपए गए इंटरेस्ट के नाम के? 6 महीने तक कितने रुपए गए इंटरेस्ट के नाम के? 500-500 के हिसाब से 6 महीने तक, ये रहा दूसरा के, 500-500 रुपए के हिसाब से 6 महीने तक कितने गए? 3000। ठीक है, तो लोन जो था कितने का? 3 लाख रुपए का जो लोन था ना बेटे, 3 लाख रुपए का वो लोन घट गया देखो। और कितने रुपए घट चुके हैं इसमें ये देखो, कितने रुपए घट चुके हैं 500-500 के हिसाब से? 3000 रुपए घट गए, तो लोन कितने का रह गया? ऑफ कोर्स वो घट गया है 3000 रुपए से, तो लोन कितना रह गया? 17000 रुपए। हटा दीजिए कैमरा, है जी, हाँ फ्रीज हटा दीजिए। पहले मुझे ये बताओ यहां तक ओके है कि नहीं? बोलो बेटे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं बच्चों। लोन तो 20000 का था, बिल्कुल सही कह रहे हो धनबाद, लोन तो 20000 का था, लेकिन लोन में क्या लिखा था धनबाद? 500-500 रुपए प्रिंसिपल हर महीने, जुलाई से शुरू होगा घटना, तो 20000 में से 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 6 महीने तक 3000 तो जा चुके हैं, तो लोन कितना बचा? लोन कितना बचा? 17000 का बचा ना, यही हमारी बैलेंस शीट में जाएगा। पटना कह रहे हैं एलएमएस कैसे यूज करें? बेटे पटना वो तो आपको सेंटर कोऑर्डिनेटर बता पाएंगे ना बेटे कि एलएमएस को कैसे यूज किया जाएगा, ये बात आपको सेंटर कोऑर्डिनेटर बता पाएंगे। ठीक है, आप घर बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हो इसमें। समझ में आ गया धनबाद? किसी और बच्चे को कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ बेटे। हां जी, किसी और बच्चे को कोई डाउट पूछो। हो गया धनबाद, पटना, वाराणसी, लक्ष्मी नगर, किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटे, वरना फिर मैं क्लास ओवर करूं। ओके, तो मैं मान रहा हूं कि कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, ठीक है, बाय। ठीक है सर, क्लास ओवर कर दीजिए।